हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सभी के पास? यूट्यूब पे स्टार्ट कर दिया सर? चलो ठीक है। जो सभी पेड़ बच्चे हैं जो अपने माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के ऊपर हैं, और जो आपके रिमेनिंग कुछ बच्चे हैं जो यूट्यूब के ऊपर भी हैं, तो यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इन फास्ट ट्रैक क्लासों में अपन एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखेंगे और आने वाले टाइम पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सब चीज़ों को अपन कवर कर रहे होंगे। हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए अपने पास में फास्ट ट्रैक रहेगा, और इसके साथ साथ में बीच बीच में कुछ चीज़ें हम एडिशनल भी आपको अवेलेबल करवाते रहेंगे टाइम के साथ साथ में। पेड बच्चे हैं जो अपने माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के ऊपर है, या फिर आप डिस्कॉर्ड सर्वर से भी आप क्लासे ले सकते हो। बाकी जितने ऑल अदर बच्चे हैं वो आपके यूट्यूब से ले रहे हैं। अगर किसी को नेट का इशू है तो यूट्यूब के ऊपर भी शिफ्ट हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जितने भी डाउट हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी आपको या तो कमेंट सेक्शन के लिए, और आपके जितने भी पेड स्टूडेंट हैं वो सारे आप माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू डायरेक्ट आप वन टू वन इंटरेक्शन, जैसे अपनी क्लासे होती है एक्चुअल में, उन्हीं क्लासों के थ्रू आप इन सब चीज़ों को पूछ सकते हैं। जितने भी आपके डाउट है हर एक चीज़ को अपन क्लियर करेंगे, क्योंकि अपना टारगेट अभी प्रेजेंट सिचुएशन में एग्जाम को क्रैक करना है। जितना ज़्यादा हो सकता है इस कम से कम टाइम में उतना ज़्यादा पढ़ना है, जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं उतना ज़्यादा रिवाइज करना है। जितने आपके डाउट आते हैं हर एक चीज़ को आप जितना डिटेल में पढ़ सकते हो उतना डिटेल में पढ़ो। और गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अजय सर, अतुल सर, सौरभ, गुड इवनिंग सर। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सभी के पास पास में एक बार शेयर कर दीजिए, जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो, अच्छी चीज़ है ये तो। लगे रहिए। राम राम, राम राम, राम भाई राम राम। चलो तो अपने फास्ट ट्रैक क्लासे आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इन फास्ट ट्रैक का जो सबसे मेन टारगेट रहने वाला है, ये टारगेट ये रहने वाला है कि आपको कम से कम टाइम में अपने एग्जाम को क्रैक करना है। अगर आप क्रैक ऑलरेडी कर रहे थे तो अपने को इस एग्जाम में अपनी स्कोरिंग है उसको इंक्रीज करना है, अपने को टॉप 10 या टॉप 5 में आना है। इस टॉप 10 या टॉप 5 की लड़ाई के लिए अपन लड़ रहे हैं। जितना ज़्यादा हो सकता है आप टीचर से एक्सट्रैक्ट जितना कर सकते हो उतना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कितनी चीज़ें पूछ सकते हो, जितना आप चाहो उतना पढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। कंटिन्यू बने रहो, जितना ज़्यादा आप चीज़ें कंटिन्यू पढ़ोगे उतना आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। और मैं आपका कोई बहुत ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं, बाकी अजय सर आपकी निमेटोलॉजी की क्लास स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बाकी तो आप खुद देख ही रहे हो। सर आप स्टार्ट कीजिए क्लास, और बाकी चलो मिलते हैं क्लास के बाद में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू। लिए क्षमा चाहता हूँ और सभी को मेरा नमस्कार है। चलो और जैसा कि आप लोगों को बताया फास्ट ट्रैक रिवीजन है, और हर अच्छी बात है नया भंडारा फास्ट ट्रैक रिवीजन का आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों के इस प्रेम के लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और हम ज़्यादा समय देंगे नहीं। दे पाऊंगा आप लोग जितना मैं बोल, चीज पे ज्यादा ध्यान रखें क्योंकि हर एक चीज लिखना भी पॉसिबल नहीं है। बाकी मैं कुछ चीजें आपको रहेगा, वॉइस नहीं आ रही। एक मिनट अभी चेक कर लेते हैं। ओके सर, एक बार अभी आप लोग बता दीजिए सर, माइक प्रॉब्लम हो रखी है। ठीक है, माइक नया लगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब ठीक है, चलो ओके ओके, सबके पास सही आ रही है ना? आप कोई प्रॉब्लम नहीं? मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, क्या पता मेरी आवाज़ वैसे मंद है। हाँ अब से वही हो गया सर, डब्ल्यू का एग्ज़ाम में और आपकी
मेरा और आपका एक ही रूम में था। अरे वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। आपने पूछा ही नहीं, थोड़ी सी चीटिंग कर लेते। नो सर। अभी एक बार आप लोग मुझे बता। आवाज़ ठीक है, मैं कंटिन्यू करूँ? यस, एक बार यस टाइप कर दीजिए यस आप सब सर, लोग। रिस्टार्ट करो। ओके ओके ओके, यस सर। निमेटोलॉजी में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे 3 क्वेश्चन निमेटोलॉजी में से आएंगे। तो उन 3 क्वेश्चनों का मैं ये चाहूंगा कि ये जो आपके लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे जितने भी आप टाइम यहाँ पे जो खपा रहे हैं उसका आपका आउटपुट मिलना चाहिए। 3 के 3 क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर की बात करता हूँ तो आपके 3 के 3 मिले थे। यदि डब्ल्यू की बात करते हैं तो उसमें 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों के दोनों हमारे जो बच्चे हैं लिख रखे हैं जिनके पास नोटबुक है उनमें से मिले थे। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि शायद प्री पीजी में भी इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, चाहे आप प्री पीजी का दो, चाहे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम, मास्टर एंट्रेंस अक्रॉस द इंडिया आप कोई भी दो किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो उसमें आपके ये कवर होना ही होना चाहिए। ब्राइटनेस कम हो रही है थोड़ी, वॉइस नहीं आ रही, लक्ष्मी कीचड़, किसी एक के पास प्रॉब्लम हो रही है, बाकी सबके पास ठीक है मेरे हिसाब से। देखो निमेटोलॉजी की बात करता हूँ तो कौन सी लैंग्वेज का है ये? एलोजी लगा है तो सबको पता है ग्रीक का होगा। निमा, नीमा और टोरिट करके बात बताया जाता है, और इसका मतलब होता है थ्रेड लाइक। देखो तो निमेटोड के लिए आपको ऐसा न करके भी नाम पूछा जा सकता है कि आपको अगर क्वेश्चन पूछे तो इस टाइप से पूछ सकता है कि निमेटोड के क्या क्या नाम है, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ निमेटोड। तो याद रहे आपको सबसे पहली बात थ्रेड लाइक, मतलब ऐसे धागे जैसी अगर आपको ऐसी स्ट्रक्चर दिख रही है ना उसी को हम निमेटोड बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसका हम नाम निमेटोड दे रहे हैं। इसके साथ साथ इसको राउंड वर्म भी बोलते हैं भाई। राउंड वर्म के अलावा आपने नाम सुना होगा ईल वर्म। अब ईल वर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुछ लोग, कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि क्योंकि सबसे पहले ईल निमेटोड की डिस्कवरी की गई थी जिसको नाम होता है ट्यूबेट्रिक्स एसिटी। तो ईल निमेटोड की डिस्कवरी करने की वजह से इसका नाम ईल वर्म रखा गया। तो अगर आपसे किसी ने पूछ ले कि निमेटोड का क्या नाम है तो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पे भी, राउंड वर्म में भी और ईल वर्म में भी, तीनों मतलब, और यदि चौथा ऑप्शन आपको ऑल ऑफ दे हो तो कर रहा है तो उस टाइम आपको ऑल ऑफ दे हो पे चूज करना है। जय श्री राम, जय श्री हिंद, ठीक है। देन अब उसके बाद देखो यदि इसके फादर की बात कर लेते हैं अपन जनरली कि फादर ऑफ निमेटोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ निमेटोलॉजी पूछ लिया जाए तो आपको क्या क्या आना है वहां पे, एच सी बास्टिन। लेकिन इसी के साथ यदि आपसे पूछे कि फादर ऑफ अमेरिकन निमेटोलॉजी, तो अमेरिकन निमेटोलॉजी का फादर हो जाएगा एन ए को। फादर ऑफ मॉडर्न निमेटोलॉजी तो भी कौन रहेगा, एन ए को। तो ये इसके फादर के बारे में बात होगी कि फादर ऑफ निमेटोलॉजी एस सी बास्टिन, फादर ऑफ अमेरिकन निमेटोलॉजी या फादर ऑफ निमेटोलॉजी तो मॉडर्न निमेटोलॉजी तो एन ए कोब। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ जो इंडियन निमेटोलॉजी है वो कौन है, तो वो है A.M. खान। इसके बारे में बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी जो कवर होगी। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले निमेटोड पे चलते हैं कि निमेटोड, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि निमेटोड हम सुनते आ रहे हैं, निमेटोलॉजी के अंदर स्टडी कर रहे हैं, होता क्या है निमेटोड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निमेटोड। हम सबसे पहले एक बेसिक सी इमेज हमारे माइंड में बनाएंगे कि निमेटोड किसको बोलते हैं, क्या चीज ऐसी जिसमें आपको निमेटोड उसको देख के आप बता सकते हो कि हाँ ये निमेटोड है। क्योंकि अगर हम जनरली इंसेक्ट की बात करते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि हाँ अगर हमें ये करेक्टर दिख रहे तो हम बता देंगे ये निमेटोड है या फिर ये इंसेक्ट है। लेकिन ऐसी क्या चीज हम ऑब्जर्व कर पाते हैं जिसको हम निमेटोड बोलते हैं, तो देखो मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि निमेटोड होता है बायलैटरल सिमेट्री बेटा, सबसे पहली बात। इसके बाद में ट्रिप्लोब्लास्टिक, स्यूडोसिलोमेट, अपेंडिजेस लेस, अनसेगमेंटेड, कलरलेस, वर्मीफॉर्म, इनवर्टिब्रेट्स होगा सबको पता है, वो चीज लिखने की जरूरत नहीं। रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। अब बस इतना आप देख लो इनमें के बारे में, मैं छोटा बता दूं, बायलैटरल सिमेट्री अगर बॉडी को आप दो बराबर हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हो बायलैटरल सिमेट्री होगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्योंकि जब भी कोई भी जर्म लेयर बनती है उसमें 3 लेयर बनती है, एक्टो मेसो और एंडो, तो तीनों करके ये हो जाएगा आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक। देन स्यूडोसिलोमेट,
देखो स्यूडोसोलोमेट का मतलब आप इतनी सी बात कह रहे हो ना कि स्यूडोसोलोमेट यदि ये मिजोड्रम के स्प्लिटिंग से मतलब बाहर भी मिजोड्रम और अंदर भी मिजोड्रम यदि बनती है बॉडी कैविटी के तो उसको हम बोलते हैं स्यूडोसोलोमेट। तो आपको इतनी बात कह रहे ना कि ये होते कैसे हैं स्यूडोसोलोमेट, जबकि यदि इंसेक्ट की बात करता हूं तो इंसेक्ट होता है सीडोसोलोमेट। देन अपेंडेजेस लेस, ये बात इंपॉर्टेंट है कि निमेटोड की बॉडी के अंदर कोई भी अपेंडेजेस नहीं पाया जाता। अपेंडेजेस तो जानते हैं आप लोग कि जो आउट ग्रोथ होती है उसको हम अपेंडेजेस बोलते हैं, तो एक भी आउट ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी। देन अनसेगमेंटेड, ये और भी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आपको बाहर से देखने पर ऐसे लगेगा कि निमेटोड की बॉडी अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड है, लेकिन एक्चुअल में उसका कोई भी सेगमेंट नहीं होता क्योंकि इसमें चार लेयर बनती है। उन चार लेयर में से जो अपर दो लेयर होती है मीजो और एपी वाली, वो सॉरी एक्सो और एपी वाली, उनके अंदर तो इसमें वो जो भी सेगमेंट के लेयर होगी वो प्रेजेंट होगी, लेकिन जो एंडो वाली होगी उनके अंदर क्या होती है एब्सेंट। तो इसका मतलब वो बॉडी होगी वो सेगमेंटेड नहीं है, और सेगमेंटेड नहीं है तो हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे अनसेगमेंटेड। देन कलरलेस, देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ब्राउन ब्राउन कलर का हो निमेटोड, लेकिन निमेटोड का कोई भी कलर नहीं होता, तो ये हो जाएगा कलरलेस। देन वर्मी फॉर्म, उसकी शेप होती है, शेप को हम वर्मी फॉर्म नाम देते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लगातार पूछा ही जा रहा है कि कौन सा सिस्टम है जो निमेटोड की बॉडी के अंदर एब्सेंट। तो निमेटोड की बॉडी के अगर मैं बात करता हूं तो इसमें बेटा एक तो रेस्पिरेटरी, उसके साथ साथ दूसरा सर्कुलेटरी, दोनों सिस्टम एब्सेंट होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका, कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है कि निमेटोड की बॉडी में कौन कौन से सिस्टम एब्सेंट है। अब मैं ये जानना चाहूंगा क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम यदि एब्सेंट है क्या वो रेस्पिरेशन नहीं करेगा? अगर रेस्पिरेशन करेगा तो कौन सा बॉडी ऑर्गन को वो यूज करेगा रेस्पिरेशन के लिए। देन सर्कुलेशन की बात करता हूं तो सर्कुलेटरी सिस्टम में भी ये कहा जाता है कि एब्सेंट है, तो यदि एब्सेंट है तो किसके द्वारा सर्कुलेटरी करेगा? तो आप एक बार कमेंट कर दें, उसके बाद में कंटिन्यू करता हूं। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग, शेयर इट मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जितने भी आपके साथी दोस्त लोग हैं सबको एक बार शेयर कर दीजिए, फास्ट ट्रैक रिविजन का सबको फायदा मिले। और मेरा आप लोगों से पर्सनल निवेदन है कि अपने अपने भी जितने भी सोशल साइट्स है जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फलाना ग्राम, डिका ग्राम, सबके ऊपर आप एक बार शेयर कर दीजिए, है ना, एक बार स्टेटस लगा दीजिए, उसके बाद चलते हैं। चलो, जैसे कि बच्चों को मैसेज आ रहा है क्यूटिकल के द्वारा, ओके कर दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो रेस्पिरेटरी मतलब रेस्पिरेशन वो किसके द्वारा कर लेगा? क्यूटिकल के द्वारा। और यदि सर्कुलेशन की बात करें तो स्यूडोसोलेमिक जो फ्लूड होता है उसी के साथ साथ ही क्या करता रहेगा, सर्कुलेशन सिस्टम करता रहेगा। तो ये चीजें अगर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑब्जर्व करते हो इट मींस दैट इज निमेटोड, ये सिर्फ ये मिलेगी तो ही वो निमेटोड, अदरवाइज नहीं। चलो अब देखो निमेटोड के बारे में कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें जैसे कि सबसे बड़ा निमेटोड कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है। उससे पहले निमेटोड दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्री लिविंग निमेटोड, एक होता है प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड। दोनों के बारे में आप नाम जानते हो। जैसे फ्री लिविंग निमेटोड की बात करते हैं, जनरली मैराइन कंडीशन में, पानी वाली कंडीशन में, एक्वेटिक में आपको मिलेगा, दैट इज फ्री लिविंग निमेटोड। क्योंकि वैसे भी सबसे ज्यादा मैराइन कंडीशन में पानी भी भरा हुआ है, हम तो वैसे भी 2% में रहते हैं, लगभग 98% ऐसा कहा जाता है कि पानी है। तो जनरली आपको जो निमेटोड मिलेंगे वो होंगे फ्री लिविंग निमेटोड। लेकिन कुछ ऐसे निमेटोड हैं जो हमारे एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारी क्रॉप्स में अटैक कर रहे हैं, हमें लॉस हो रहा है उनकी वजह से, तो वो हो जाएंगे प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड। तो हम यहाँ दो कैटेगरी की बात करेंगे, सबसे पहले फ्री लिविंग निमेटोड की और दूसरे है प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड। और प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड को मैं शॉर्ट्स में लिख रहा हूँ PPN। फ्री लिविंग निमेटोड में भी दो चीजें की बात करेंगे, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। देन प्लांट पैरासाइटिक की कैटेगरी की बात करते हैं, तो प्लांट पैरासाइटिक का सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है। अब देखो फ्री लिविंग में लॉन्गेस्ट की बात करते हैं तो उसका नाम है, और स्मॉलेस्ट की बात करते हैं प्लेसेंटोनेमा जियांटिसिमा, और स्मॉलेस्ट की बात करते हैं इसकी लगभग साइज होगी 82.8 मीटर या फिर 27 फिट। अगर सबसे बड़ा निमेटोड प्लेसेंटो जियांटिसिमा की बात करते हैं तो 8 मीटर जिसकी हाइट मिल रही है या फिर 27 फिट की, तो इतना बड़ा निमेटोड ऐसे तो पॉसिबल है नहीं। तो ये आपको जनरली देखने को मिलता है वेल फिश में, क्योंकि अगर सबसे बड़ा जो है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो वेल फिश है, तो वेल फिश के जो स्पर्म होते हैं उनके अंदर ऐसा बताया जाता है कि उसके स्पर्म के साथ एसोसिएट रहता है प्लेसेंटो जियांटिसिमा। और स्मॉलेस्ट निमेटोड की अगर मैं बात करूं तो स्मॉलेस्ट निमेटोड का मुझे नाम बताएगा कोई? ग्रिफेला मिनुटम, वेरी गुड, इंद्राज विश्नोई बता रहा है ग्रिफेला मिनुटम, और इसकी जो साइज होती है लगभग 82 माइक्रोमीटर साइज। देन बात करते हैं प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड,
एक तो लॉन्गेस्ट और इसमें स्मॉलेस्ट। लॉन्गेस्ट हो जाएगा पैरालोंगिडोरस एपिमिकिस, और स्मॉलेस्ट की बात करते तो ये हो जाएगा पैराटिलेंकस स्पीसीज। लॉन्गेस्ट की साइज की बात करते हैं तो ये होता है लगभग 1.2 सेंटीमीटर का, और ये होती है लगभग 0.3 mm, ये इनकी साइज होगी। अब देखो आपको सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन आपको पुटअप कर सकता है। जैसे मान लो लॉन्गेस्ट की सीधा नाम दे दिया आपको विच वन इज द लॉन्गेस्ट निमेटोड, और आपको वहां पे कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा, ना फ्रीलिविंग मेंशन कर रखा ना प्लांट पैरासाइटिक मेंशन कर रखा, तो ऐसी कैटेगरी में आप भैया किस पे जाएंगे? फ्रीलिविंग पे, क्योंकि सबसे बड़ा पूछा गया आपसे लॉन्गेस्ट पूछा गया है। तो लॉन्गेस्ट अगर ऑल ओवर रेंज में देखा जाए तो ऑल ओवर रेंज में सबसे लॉन्गेस्ट हो जाएगा प्लेसेंटोजिजेंटिजिमा, जो लगभग 8 मीटर 27 फीट का हो गया। स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो ग्रेफेला मिनिटम, जो लगभग 82 माइक्रोमीटर का है। देन प्लांट पैरासाइटिक की कैटेगरी की बात करते हैं तो प्लांट पैरासाइटिक की कैटेगरी के अंदर जो लॉन्गेस्ट निमेटोड उसका नाम है पैरालोंगिडोरस, और जो स्मॉलेस्ट उसका नाम हो गया पैराटिलेंकस। देखो एक एक वर्ड याद रख लेना, आपको ज्यादा याद नहीं रहे, कोई होता है कि सर मुझे याद नहीं रहे पते सारी चीजें, नाइस टू मीट यू सर, धन्यवाद एग्री स्केन जी। अब देखो यहाँ पे नाम देखो पैरालोंगिडोरस, छोटा सा वर्ड पकड़ लेना, लोंगी लोंगी मतलब लंबा, ये लॉन्गेस्ट हो जाएगा। देन जस्ट दूसरा कौन सा हो जाएगा पैराटिलेंकस स्मॉलेस्ट। इसमें बात करते हैं लॉन्गेस्ट में और स्मॉलेस्ट में, तो स्मॉलेस्ट के अंदर देखो आपको नाम दिख रहा है मिनुटम, मतलब माइन्यूट साइज का, दोनों में एक एक याद रखना। फ्री लिविंग के अंदर आप याद रख लोगे मिनुटम, मिनुटम वाला स्मॉलेस्ट में आ जाएगा, इसमें लॉन्गी इसमें लॉन्गेस्ट वाला जाएगा। साइज आप याद रखना, साइज में से इतना ज्यादा पूछता नहीं। दूसरी बात रेंज आपको पूछ ले कि रेंज क्या होगी फ्री लिविंग निमेटोड की, तो फ्री लिविंग निमेटोड की यदि रेंज पूछे तो 82 माइक्रोमीटर से 8 मीटर रेंज हो जाएगी। देन प्लांट पैरासाइटिक में रेंज पूछे तो 0.3 mm से लेकर 1.2 सेंटीमीटर या फिर 12 mm इसकी रेंज हो जाएगी। तो ये आपको रेंज और इसके बारे में याद रखना है। देखो ये जो निमेटोड होता है ना स्मॉलेस्ट निमेटोड, इसका हिंदी में मतलब जो कॉमन नाम होता है उस कॉमन नाम को बताएगा मुझे कि जो स्मॉलेस्ट निमेटोड होता है उसका कॉमन नाम क्या है और जो लॉन्गेस्ट निमेटोड उसका कॉमन नाम क्या है। अगर ऐसे याद करूं तो आपको सबने नाम सुना होगा कि वेरी गुड, ये वाला जो निमेटोड होता है उसका नाम होता है बेटा पिन निमेटोड, और इस वाले निमेटोड का क्या नाम होता है नीडल निमेटोड। तो नीडल मतलब सुई, पिन का मतलब पिन, मतलब पिन बटी की सुई, सुई नीडल। हाँ कोई ऐसे मत कर रहे, मैं छोटी सुई ही बात कर रहा हूँ टाके देने वाले की, मतलब बड़ी सुई ही बात कर रहा हूँ, है ना। तो नीडल मतलब लॉन्गिडोरस की जाएगी और पैराटिलेंकस। देखो एक छोटी सी बात, थोड़ा सा कंफ्यूज अगर यहाँ पे आप हो जाओ, पैराटिलेंकस और प्रेटिलेंकस दो अलग अलग निमेटोड होते हैं, प्रेटिलेंकस लीजन निमेटोड को बोलते हैं, उसमें सिर्फ इतना ही अंतर है उसका नाम होता है प्रेटिलेंकस। तो इसमें कंफ्यूजन होता है ना आपको, अगर वो ऑप्शन देगा तो 100% प्रेटिलेंकस और पैराटिलेंकस दोनों देगी। देखो पैराटिलेंकस में पी ए आर ए, जबकि प्रेटिलेंकस में सिर्फ पी आर ए है। तो प्रेटिलेंकस एक लीजन निमेटोड का नाम है जबकि पैराटिलेंकस एक पिन निमेटोड का नाम है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं रहे। ओके यस, बाकी सब बच्चों के कमेंट आते जा रहे हैं, मैं देखो नहीं पढ़ पा रहा पर मुझे अच्छा लग रहा है कमेंट देख के। वी आर ऑलवेज रॉक, और आप लोगों का इतना प्रेम मिल रहा है उसके लिए मैं आपका साधुवाद तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बाकी क्लास ठीक चल रही है, एक बार मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में थोड़ा थोड़ा ऐसा करता रहे, मुझे थोड़ा मोटिवेट करते रहे। हाँ चले आगे चले भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों से भी अनुरोध है, बीच बीच में कहीं कहीं वार्तालाप करते रहे ताकि मेरा मन लगे, आपको पता है ना फिर मेरे को नींद आ जाती है अगर मैं ज्यादा देर वार्तालाप नहीं करता। यस वेरी गुड, हाँ यस ओके ओके बहुत अच्छा। अब मैं सिंपल सी बात करता हूं इसकी बायोलॉजी की, इसकी फिजियोलॉजी की, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी, इसकी बायोलॉजी क्या होगी, इसकी फिजियोलॉजी क्या होगी, ये चीजें वो चीजें सब। अब देखो बताओ भाई बायोलॉजी के बारे में क्या क्या जानते हैं सब लोग, कोई जान बताएगा मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी फिजियोलॉजी। निमेटोड की बायोलॉजी में सबसे पहले जान लूं कि चलो निमेटोड के अंदर जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, नॉर्मली बात कर रहा हूं मैं, किसी स्पेशल निमेटोड का नाम नहीं ले रहा। यस वेरी गुड,
साइकोप्लेटोक्सिन की बात की जाती है तो बेटा होता है ये, जिसको हम क्या बोलते हैं सेक्स रिप्रोडक्शन को, एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस, वेरी गुड। तो याद रहे आपके निमेटोड में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑप्शन में नहीं देगा, आपको डायरेक्ट पूछेगा वो एम्फीमिक्सिस है या फिर ऑटोमिक्सिस है, कैसा भी जो भी आपका टाइप होगा क्वेश्चन उसके, एम्फीमिक्सिस। इसका मतलब इसमें जो मुझे ये बता दो, एक तो फीमेल को और मेल को हम वो कर रहे हैं नॉट कर रहे हैं डिनोट, तो बताओ फीमेल और मेल को किससे डिनोट करेंगे, एक्स जीरो एक्स एक्स से या एक्स वाई एक्स एक्स से या एक्स जेड एक्स एक्स से या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन आपके पास अलग अलग है, जैसे एक्स जीरो एक्स एक्स, एक्स वाई एक्स एक्स, एक्स जेड एक्स एक्स और ऑल ऑफ द अबव। फर्स्ट वाला सर, एक्स जीरो एक्स एक्स। याद रहे तो एक्स जीरो को किससे डिनोट करेंगे हम, मेल को या फीमेल को? मेल को, मेल को, मेल को। और फीमेल को करेंगे हम एक्स जीरो। इसी के साथ साथ बात हो तो एक सिंगल लिमिटेड ऐसा भी है जो हर्माफ्रोडिटिज्म में शो करता है, कौन सा है, उसका क्या नाम है? सिनोरेप्टिडिस। ये एक निमेटोड है जो क्या शो करता है, हर्माफ्रोडिटिज्म। मतलब और वैसे भी इसमें भी पूछ लिया जाए तो इसमें भी याद रहे आपको फीमेल हर्माफ्रोडिज्म शो करता है ये, मतलब एक फीमेल बॉडी है जो फीमेल बॉडी के अंदर ही मेल के और फीमेल के दोनों के सेक्सुअल करेक्टर या सेक्सुअल ऑर्गन दोनों सिंगल बॉडी के अंदर इंडिविजुअल में प्रेजेंट है तो वो हर्माफ्रोडिज्म कहलाएगा। और किसमें देखने को मिलता है ये, इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सिनोरेप्टिडिस। ओके अब देखो निमेटोड की साइकिल बता दो मुझे, निमेटोड की बेटा साइकिल कितनी होती है, यस या फिर स्टेज? सिक्स स्टेज होती है, सिक्स वन एग में होगी, फोर जुवेनाइल की होगी और वन एडल्ट की होगी, जिनमें से ऐसा कहा जाता है कि निमेटोड एकमात्र ऐसा है जिसके एग के अंदर ही जुवेनाइल फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। सबने सुना ना ये बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes. मतलब जो सिक्स स्टेज में से एक एग के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगी, जैसे मान लो एग है और इसके अंदर ही जुवेनाइल फर्स्ट बन जाएगी, अभी डायरेक्ट लेट डाउन कौन सी करेगा, जे टू, उसके बाद में जे थ्री, जे फोर और फिर बाद में एडल्ट। जे फोर को आप प्री एडल्ट के नाम से भी जान सकते हैं कि प्री एडल्ट हम उसको बोलते हैं क्योंकि एडल्ट से जस्ट पहले की स्टेज है। देन देखो यहाँ पे जे टू डायरेक्ट लेट डाउन हो रही है, और जनरली आप जो निमेटोड में पढ़ते हैं तो ये सुनने को मिलता है आपको निमेटोलॉजी में कि जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है मोस्टली जे टू होती है, क्योंकि देखो भाई जे वन तो अंदर ही होगी, अब जे टू लेट डाउन करेगा, ऐसा ही होता है इंसेक्ट में भी कि जो स्टेज मतलब जो लार्वा आपका फर्स्ट से पहले आता है, मतलब जो फर्स्ट स्टार वाला लार्वा होता है वो फीडिंग स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसका जो लेट डाउन होता है कोई भी चीज, भाई किसी को माइक से डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं ना, म्यूट कर लो प्लीज। तो इसमें क्या होता है कि जो लेट डाउन करता है तो लेट डाउन करने के जस्ट बाद में क्या होता है कि वो फीडिंग करना स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ पे लेट डाउन होगी जे टू, तो आपकी जो इन्फेक्टिव स्टेज रहेगी निमेटोड में जनरली जे टू रहेगी, कोई स्पेशल कौन सा है वो हम आपको अलग बता दूंगा, बाकी आपको याद रखना है कि जनरली कौन सी होती है आपकी इन्फेक्टिव स्टेज, जे टू होती है। निमेटोड के एग की साइज कितनी होती है, बताओ भाई, व्हाट इज द साइज ऑफ नेमेटोड एग? यस जे टू। हाँ बेटा हरिओम, ये रिकॉर्ड रहेगी है ना यूट्यूब पे, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ये लाइव क्लास है और रिकॉर्ड मिल जाएगी आपको, नो डाउट, उस चीज की टेंशन मत करो बेटा। 50 से 100 और ये तो क्या होगी इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी, 10 to 20, ये इसके इसकी साइज की बात होगी। वैसे इतना ज्यादा डीप पूछेगा नहीं कि भाई निमेटोड के एग की साइज क्या है, आपको इतना पूछ सकता है कि जुवेनाइल स्टेज में कितनी क्या क्या चीजें बनेगी। यस 50 to 100 बच्चों के आंसर आते जा रहे हैं जैसा मैं देख पा रहा हूँ। उसके बाद में एक टर्मिनल चलती है यूनिवोल्टाइन मल्टीवोल्टाइन। देखो वोल्टाइन, वोल्टाइन का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये समझते हैं कि नंबर ऑफ जनरेशन इन ए ईयर इज नोन एज वोल्टाइन, एक साल में कितनी जनरेशन कंप्लीट करा उसको वोल्टाइन के नाम से जाना है। यूनिवोल्टाइन नाम से पता लग रहा है सिंगल जनरेशन कंप्लीट इन ए ईयर दैट इज यूनिवोल्टाइन, मोर देन टू जनरेशन कंप्लीट इन ए ईयर दैट इज मल्टीवोल्टाइन।
बाइवोल्टाइन ये दो जनरेशन करेगा। निमेटोड के केस में हम जनरली यूनिवोल्टाइन और मल्टीवोल्टाइन कंडीशन में पढ़ते हैं, मतलब बाइवोल्टाइन आपको बहुत रेयर मिलेगा, या तो निमेटोड सिंगल जनरेशन ही कंप्लीट करेगा या फिर एक से ज्यादा दो से ज्यादा जनरेशन कंप्लीट करेगा, तो या तो यूनिवोल्टाइन मिलेगा आपको या मल्टीवोल्टाइन। यूनिवोल्टाइन का मुझे एग्जांपल बता दो कि यूनिवोल्टाइन सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलता है? हेटेरोडेरा में। हेटेरोडेरा, वेरी गुड। और बात करते हैं मल्टीवोल्टाइन, तो मल्टीवोल्टाइन तो वर्ल्ड फेमस नेमेटोड दैट इज रूट नोट नेमेटोड, मतलब एक साल में दो से ज्यादा जनरेशन कंप्लीट करेगा, जबकि सिस्ट नेमेटोड या हेटेरोडेरा की बात करते हैं तो वो एक साल में एक ही जनरेशन कंप्लीट करेगा, दैट इज यूनिवोल्टाइन और मल्टीवोल्टाइन। हाँ बच्चों के यूट्यूब पर भी लगातार कमेंट जारी है, चलो फेकुंडिटी की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेकुंडिटी? एग लेइंग कैपेसिटी को हम फेकुंडिटी बोलते हैं, कि किसी भी निमेटोड की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग लेइंग अंडे देने की जितनी कैपेसिटी है उसको हम फेकुंडिटी बोलते हैं। फेकुंडिटी निमेटोड में होता है कि एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट और सेमी एंडोपैरासाइट, तीन टाइप के। मतलब क्या होता है इसके अंदर, जैसे मान लो ये रूट जोन है, रूट जोन के आउटर सर्फेस पे अटैक कर रहा है, दैट इज एक्टोपैरासाइट। यदि इसके अंदर जाके अटैक कर रहा है तो एंडोपैरासाइट। और कुछ निमेटोड में या फिर कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि इनिशियल टाइम में तो वो बाहर से अटैक करता है, कुछ टाइम बाद अंदर, या फिर आधी बॉडी उसकी बाहर और आधी बॉडी अंदर इस टाइप से अटैक करता है, उसको हम बोलते हैं सेमी एंडोपैरासाइट। तो तीन टाइप का जनरली इनका नेचर होता है, जो टाइप ऑफ पैरासिटिज्म होती है इनकी। तो एक्टोपैरासाइट की जो एगलिंग कैपेसिटी वो ज्यादा होती है कम होती है, मुझे ये बता दो। कम होती है सर। कितनी होती है एक्टोपैरासाइट में, कितनी होती है? कम होती है, 10 to 25। एंडो और सेमी एंडो में कितनी होती है? 50 to 500। तो देखो हम इसकी फेकुंडिटी रेट की बात कर लेते हैं, तो फेकुंडिटी में एक्टोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट की होगी 10 to 25 egg, और एंडो एंड सेमी एंडो इनकी हो जाएगी भाई 50 to 500। तो ये थोड़ी सी आप फेकुंडिटी के बारे में याद रखिएगा, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट निमेटोड की एगलिंग कैपेसिटी की रेंज कितनी रहेगी। ये कब हेल्प करेगा, ऐसे तो सीधा नहीं याद रहेगा आपको, पर ये उस टाइम हेल्प करेगा जैसे मान लो आपको किसी निमेटोड के बारे में पता है कि वो एंडोपैरासाइट है या एक्टोपैरासाइट है, और फिर उसकी एगलिंग कैपेसिटी आपसे पूछ ली, तब उस टाइम आपको याद रहेगा कि 50 से रेंज स्टार्ट होगी, लगभग 500 के बीच में उसकी आपकी एगलिंग कैपेसिटी आएगी, तो उस टाइम आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देगा कि हाँ एंडो या सेमी एंडो तो इसमें रेंज रहेगी, एक्टोपैरासाइट है तो उसकी रेंज कम रहेगी। Yes, चलो बाकी आई होप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे, सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, अच्छा चल रहा है सबका सिस्टम, किसी कोई प्रॉब्लम? कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मैं बात कर लेता हूं। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको निमेटोड की बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या मिलेंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले मैं बात करता हूँ एमिनो एसिड की। ये मैं निमेटोड की बॉडी की बात कर रहा हूँ ना, याद रहे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहली बात है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा IAA, मतलब ये हार्मोन है, और ट्रिप्टोफैन, ये याद रखो आपको दो बातें। इसके अलावा बात करता हूं लिपिड रेंज की, तो इसके अंदर जो लिपिड की जो रेंज मिलेगी लगभग 11 to 67%, और इसमें भी सबसे ज्यादा कौन सा होता है? ट्राइग्लिसराइड, मोर देन 70%। इसके अलावा आपको मिलेगा यहां पे कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट की रेंज मिलेगी लगभग 3 to 20%। इसके अलावा आपको मिलेगी यहां पे शुगर, और शुगर सिर्फ किस में मिलेगी? एग में, और एग में ही क्या मिलता है? काइटिन। देखो ये बात आपको शायद आपने पहले सुना होगा, को अच्छे से पता होगी सब बच्चों को कि निमेटोड की बॉडी के अंदर काइटिन कहां पे प्रेजेंट होती है, क्या पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है? सिर्फ एग में होती है, सिर्फ एग के अंदर प्रेजेंट होती है, बाकी पूरी बॉडी में कहीं भी आपको काइटिन देखने को नहीं मिलेगी। तो याद रखें, आपसे पूछ लेगी काइटिन कहां पे मिलेगी, सिर्फ एग के अंदर काइटिन, बाकी इसके अलावा पूरी बॉडी में काइटिन नहीं है, है ना?
डाइपोज के बारे में नाम सुना है, डाइपोज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइपोज? शोर मीन्स क्या होता है? हाँ, मतलब एक पार्ट टाइम के लिए, मैं बोल सकता हूँ कि शॉर्ट टाइम के लिए जो डोरमेंसी पीरियड में चला चला था उसको हम डाइपोज बोल रहे हैं, या फिर एक सॉरी लॉन्ग टाइम के लिए जो चला गया उसको डाइपोज बोल रहे हैं। इसके अलावा इसके जैसी एक टर्म होती है क्यूजेंस, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए गया तो क्यूजेंस, लॉन्ग लंबे टाइम के लिए गया तो डाइपोज। अब यदि मैं क्यूजेंस की बात करता हूँ, देखो क्यूजेंस में शॉर्ट टाइम में अलग अलग रीजन हो सकते हैं, उसके अलग अलग फैक्ट हो सकते हैं कि किस वजह से वो शॉर्ट टाइम के लिए डाइपोज में या फिर डोरमेंसी के अंदर गया। हो सकता है उसको अधिक टाइम, वो ज्यादा टेम्परेचर था उसके लिए चला गया, हो सकता है लो टेम्परेचर था उसके लिए चला गया। तो इनकी हर एक की स्पेसिफिक टर्म है, आपको सीधी सी टर्म का नाम देगा और उसका मतलब पूछेगा कि इसकी वजह से क्या हुआ। जैसे मान लो कोई आपने, आपको एग्जांपल में दे दिया उसने थर्मोबायोसिस, ये क्यूजेंस है, तो थर्मोबायोसिस का मतलब क्या हो गया? ड्यू टू टेम्परेचर। देखो नाम पता लग रहा है ना, थर्मो मतलब टेम्परेचर की बात की जा रही है, और टेम्परेचर भी लो या हाई? तो बेटा ये आप याद रखें कि जो जब भी बात इसकी की जाएगी कि टेम्परेचर की, थर्मो का नाम जहां भी आ जाए तो याद रहे हमेशा हाई टेम्परेचर की बात की जा रही है। तो यहाँ पे किसकी वजह से वो क्यूजेंस में गया? ड्यू टू हाई टेम्परेचर। देन इसके बाद में दूसरी टर्म लिखता हूं मैं, क्रायोबायोसिस। देखो क्रायो का मतलब क्रायोप्रिजरेशन, तो सबने नाम सुना है, आपको रटना नहीं, बस नाम देखो इसमें। क्रायो मतलब कोल्ड, कोल्ड की बात करी जा रही थी तो कोल्ड की बात की जाए, मतलब ड्यू टू लो टेम्परेचर। जैसे ऑस्मोबायोसिस, ऑस्मोबायोसिस का मतलब समझ रहे हो? ऑस्मोटिक प्रेशर की बात, तो ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर। यदि ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से वो डोरमेंसी पीरियड में चला गया तो उसको बोलेंगे हम ऑस्मोबायोसिस। इसके अलावा जैसे हो सकता है एनोक्सीबायोसिस। एक एक चीज देखो, एन ए का मतलब एब्सेंट, या फिर एन का मतलब एब्सेंट, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी होने के कारण यदि वो क्यूजेंस में चला गया तो हम उसको बोलेंगे एनोक्सीबायोसिस, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा हो सकता है जैसे एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस मतलब एन का मतलब एब्सेंट, हाइड्रो का मतलब जल, वाटर की बात की जा रही है, तो ड्यू टू वाटर डेफिशिएंसी, यदि पानी की कमी के कारण यदि डेफिशिएंसी में वो डोरमेंसी में या डाइपोज के में या क्यूजेंस में जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे एनहाइड्रोबायोसिस। यहाँ पे हो जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। तो ये इसके कुछ क्यूजेंस के थोड़े से पार्ट टाइप थे जिनके बारे में आपको नाम जान के आप सीधा कर दो कि थर्मो क्या है, क्रायो क्या है, ऑस्मो क्या है, एनोक्सी क्या है और एनहाइड्रोसिस क्या है। इसके बाद में निमेटोड के अंदर डाइपोज स्टेज में जो जाते हैं वो कौन से ऐसे निमेटोड हैं जिनकी एग स्टेज डाइपोज में जाती है, कमेंट करके बता दो मुझे। गुड इवनिंग सर जी, वेरी गुड इवनिंग। ड्यू टू वाटर डेफिशिएंसी, यस, सिस्ट एंड रूट नोट निमेटोड। वेरी गुड, सिस्ट एंड रूट नोट, ओके ओके, गुड इवनिंग सर जी, वेरी गुड इवनिंग, यस। बालकों के धीरे धीरे जैसे जैसे कमेंट कमें, हेलो एवरीवन, वी कांट हिट 200 टुडे। सर का टारगेट है 200 का और आप नियर बाई हैं, आप चाहो तो 200 हो सकते हैं बच्चे, क्यों फ्री बिजी गया यार, पांच आप फॉर्म भर रहे हैं 200 बच्चे। अगर सिरमौर संस्थान का यदि लाइव क्लास नहीं लिए तो फिर क्या मतलब है। तो देखो डाइपोज, एग डाइपोज की बात करते हैं, और एग डाइपोज में एक तो सिस्ट निमेटोड और दूसरा रूट नोड निमेटोड, मतलब रूट नोड निमेटोड में और सिस्ट निमेटोड में, इन दोनों के अंदर जो डाइपोज स्टेज में जाएगी वो कौन सी स्टेज आएगी? एग। जैसा कि आपने लोकस्ट में, ग्रासोपर में या फिर बॉम्बिक्स मोराई में सुना होगा कि उनके एक बार जैसे एगलिंग कर दिया, एगलिंग करने के बाद वो डोरमेंसी में या फिर डाइपोज में चलेंगे, फिर लंबे टाइम तक वैसे के वैसे रहेंगे, फिर उसके बाद में चेंज होकर आएंगे, मतलब उसके बाद में उनकी जुवेनाइल स्टेज बन के बाहर आएगी, J1 या J2 जो डायरेक्ट बाहर आती है, इंसेक्ट होगा तो J1 या फिर उसकी इंस्टार फर्स्ट आएगी, और निमेटोड होगा तो उसकी J2 डायरेक्ट बाहर आएगी, तो उसको हम बोल रहे हैं भाई डाइपोज स्टेज में चला गया। तो डाइपोज स्टेज, एग डाइपोज का एग्जाम्पल है सिस्ट और रूट नॉट निमेटोड। इसके साथ साथ एक आपने नाम सुना होगा है J4 ऑफ डिटिलेंकस, नाम सुना है इस निमेटोड का कहीं पे, J स्टेज। क्या करता है ये?
नेमाबुल। वेरी गुड, नेमाबुल भी बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे सीधा ऐसा पूछेगा कि नेमाबुल कौन बनाता है, पहली बात निमेटोड का नाम है डिटेलेंकस, या फिर और भी ज्यादा डीप पूछेगा कौन सी स्टेज बनाती है, जे फोर होता क्या है, कुछ नहीं। जो निमेटोड होता है ना, जो कोइल्ड हो जाता है, मतलब कोइल्ड का मतलब वो मुड़ जाता है, उसके बाद में क्लंप बना देता है, तो ये नेमाबुल क्या है, क्लंप ऑफ कोइल्ड निमेटोड, मतलब कोइल्ड निमेटोड का एक क्लंप जो बन जाएगा उसको हम बोल रहे हैं नेमाबुल। और ये आपको जनरली किसमें मिलेगा, जे फोर स्टेज में, किसमें, डिटेलेंकस निमेटोड के। इकोलॉजी के बारे में या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सबने सुना है कि निमेटोड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, रैंडम होता है या पॉकेट इफेक्ट वाला होता है। शेयर इट मैक्सिमम टू मैक्सिमम, सभी अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, या क्लस्टर टाइप का है, या यूनिफॉर्म टाइप का है, या एक के ही दो नाम है, क्या क्या होंगे, क्लस्टर पॉकेट टाइप। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेमेटोड, ये हम नया टॉपिक चालू कर रहे हैं यहां पे, नेमेटोड की इकोलॉजी स्टार्ट हो रही है ना। फिजियोलॉजी या बायोलॉजी में किसी को डाउट है क्या, एक बार बता दो भाई, मैं दो मिनट आपसे वार्तालाप कर लेता हूं। यस, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, क्लस्टर कोड लाइक करना ना भूलें, लाइक करने से हमें कुछ नहीं मिलता, मैं आपको ये बात बता दूं। सर थोड़ा फास्ट, अरे भाई और कितनी फास्ट चलवाने में हो, चलो यहाँ किसी को डाउट नहीं। ओके चलो हम इकोलॉजी स्टार्ट कर देते हैं। निमेटोड में डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमेशा होता है क्लस्टर टाइप का, और क्लस्टर का ही दूसरा नाम होता है पॉकेट इफेक्ट। देखो आप तो इतनी सी बात कर रहे हैं भाई, क्लस्टर्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि निमेटोड आपको ऐसे नहीं रैंडमली मिलेगा, ये यूनिफॉर्म मिलेगा, इसमें क्या होता है जहां पे रूट जोन होगी या फिर उसका जो होस्ट होगा तो होस्ट के पास में आसपास में रूट जोन के पास में आपको मिलेगा, तो रूट जोन के आसपास में मिलेगा, गुच्छे में मिल रहा है और गुच्छे को हम क्या बोल रहे हैं, क्लस्टर्ड। उसी को क्या नाम रख सकते हैं हम, दूसरा पॉकेट इफेक्ट। तो पॉकेट इफेक्ट या क्लस्टर टाइप में आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। देन अभी इस इकोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं भाई उसके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स की, भाई उसके बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर को लेके आप एनवायरनमेंट के साथ जो स्टडी कर रहे हैं, या फिर मैं सीधे बोल दूं कि निमेटोड की एनवायरनमेंट के जो साथ स्टडी की जाती है उसमें क्या बोलते हैं हम, इकोलॉजी। अब उसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर आते हैं। एबायोटिक फैक्टर सब जानते हैं कि एबायोटिक फैक्टर होता क्या है, कि जितने भी एनवायरमेंटल के जो फैक्टर है वो सारे एबायोटिक फैक्टर, या मैं बोल सकता हूँ नॉन लिविंग के जो फैक्टर होंगे वो सारे एबायोटिक फैक्टर कहलाएंगे। एबायोटिक फैक्टर में मैं बात कर लेता हूँ, जैसे टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, एटमोस्फेरिक प्रेशर है, वो सब चीज किसमें आ जाएगी, एबायोटिक फैक्टर में। मैं एबायोटिक फैक्टर्स के उन्हीं की बात करूंगा जो निमेटोड के लिए सर्वाइवल रेंज है, मतलब कितना टेम्परेचर है जो निमेटोड के लिए सर्वाइवल चाहिए, कितनी मॉइस्चर है जो निमेटोड की सर्वाइवल चाहिए, कितना एटमोस्फेरिक प्रेशर है जो निमेटोड की सर्वाइवल रेंज चाहिए। तो वन बाय वन करके इनको लिख देते हैं। देखो यदि टेम्परेचर की बात की जाए तो यदि टेम्परेचर की रेंज 15 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक है तो ये सर्वाइवल रेंज है, मतलब 15 से 30 के बीच में अगर टेम्परेचर रहेगा तो निमेटोड अच्छे तरीके से सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन यदि इसी टेम्परेचर को आप लो टेम्परेचर मतलब 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम आ जाते हो, या फिर ज्यादा की बात करते हो तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चले जाते हो, तो इसका मतलब वो निमेटोड के लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो ये तो इसके लिए सर्वाइवल हो गया, और इसी के साथ साथ आपसे पूछे प्रॉब्लमेटिक, तो प्रॉब्लमेटिक लेस देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसके लिए प्रॉब्लमेटिक और रेंज हो जाएगी। देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात होगी, मॉइस्चर की बात करता हूं तो लगभग 40 से 60% मॉइस्चर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं तो लगभग एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए 10 atm, NaCl की बात करता हूं तो 50 to 100 mm NaCl की रेंज जो होगी वो उसके लिए क्या होगी, सर्वाइवल। पीएच की बात करते हैं लगभग 4 से 8 पीएच जो रेंज होगा वो उसके लिए सर्वाइवल होगा। तो इसके एबायोटिक फैक्टर्स थे कुछ जिनके बारे में जानना जरूरत है भाई, एबायोटिक फैक्टर में क्या क्या चीजें आपको देखने मिलेगी। देन बायोटिक फैक्टर बात करते हैं तो बायोटिक फैक्टर में दो ही चीजें चलती है, एक तो होस्ट और एक नॉन होस्ट, मतलब होस्ट नॉन होस्ट किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर निमेटोड सर्वाइव कर पाए, रिप्रोडक्शन कर पाए उसको बोलेंगे होस्ट प्लांट, जिसके ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाए या रिप्रोडक्शन नहीं कर पाए, मल्टीप्लाई नहीं कर पाए उसको नॉन होस्ट प्लांट बोलेंगे।
सिंपल सी बात समझ में आ रही है। अब देखो एबायोटिक फैक्टर की बात में नॉन होस्ट और होस्ट। अब होस्ट प्लांट इसके अलग अलग हो सकते हैं जिनके ऊपर वो सर्वाइव करेंगे। ससेप्टिबल होस्ट, तो ससेप्टिबल होस्ट में क्या होगा कि आराम से निमेटोड का अटैक को एक्सेप्ट करेगा, प्लस प्लांट की ग्रोथ कम होती जाएगी। रेसिस्टेंस होस्ट क्या है, सबके सबने सुना है रेसिस्टेंट क्या होता है, ससेप्टिबल क्या होता है, टॉलरेंट क्या है, इनटॉलरेंट क्या है और इम्यून होस्ट क्या है। इसी के साथ है एंटागोनिस्टिक क्रॉप और दूसरी है ट्रैप क्रॉप, दोनों इंपॉर्टेंट बात है। एंटागोनिस्टिक क्रॉप के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए, मैरीगोल्ड, ओनियन, गार्लिक। मैरीगोल्ड है, ओनियन है, गार्लिक है, ये होगी ट्रैप क्रॉप वो एंड सॉरी एंटागोनिस्टिक क्रॉप। और ट्रैप क्रॉप की बात करी जाए तो क्रोटोलेरिया। क्रोटोलेरिया का कॉमन नाम क्या होता है, सनई। पक्के बात सर, मस्टर्ड भी एंटागोनिस्टिक क्रॉप है ना? यस, चाहो तो आप उसमें लिख सकते हो मस्टर्ड को भी एंटागोनिस्टिक क्रॉप की कैटेगरी में। उसके बाद में स्प्रेडिंग ऑफ निमेटोड देख लेते हैं। निमेटोड का स्प्रेडिंग कैसे होता है, ये स्प्रेडिंग दो टाइप से हो सकता है, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस का, एक शॉर्ट डिस्टेंस का। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में ये तो हो नहीं सकता भाई निमेटोड खुद एक जगह से दूसरी जगह लंबा चला जाए, है क्या इसमें इतनी कैपेसिटी कि सुबह से दौड़ स्टार्ट करे और शाम तक चला जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो निमेटोड को मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्या किसी दूसरी चीज की सहायता की जरूरत पड़ेगी, भाई ओला उबर से क्या कर लिया, तो बाइक वाइक कर ले या किसी दोस्त की स्कूटी ले जाए, वो तो अपना अपना फीचर है सबका। हो सकता है इधर अपेक्स की तरफ रहता हो तो इधर डायरेक्टर सर से गाड़ी मांग ले कि सर 10 मिनट गाड़ी दे दो, मैं थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहा हूँ। सही है, देखो लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल है वो किसी भी प्लांटिंग मटेरियल के साथ, जैसे नर्सरी के जितने भी मटेरियल है भाई, हो सकता है सीडलिंग के साथ, या हो सकता है और कोई सीडलिंग का मटेरियल है जिसके साथ वो नर्सरी के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट के द्वारा जा सकता है, वैसे तो पॉसिबल ही है। शॉर्ट डिस्टेंस में किसके में होगा भाई, रेनफॉल के द्वारा, वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा, इनके द्वारा, भाई पानी भर गया ना, थोड़ी सी दूर पानी बह के चला गया तो वो वहां पे मूवमेंट कर गया या उसके साथ ट्रांसपोर्ट कर गया। तो दो टाइप से स्प्रेडिंग हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस। आपसे क्वेश्चन इसमें यह पूछ सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस किससे पॉसिबल है, तो ट्रांसपोर्टिंग के द्वारा पॉसिबल है, और ट्रांसपोर्टिंग में भी सबसे ज्यादा अगर निमेटोड का ट्रांसपोर्ट होगा वो नर्सरी मटेरियल के द्वारा होगा, ये बात याद रखना। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेडिंग की बात की जाती है, शॉर्ट डिस्टेंस में हो गया। और एक बुक का नाम सुना है सबने, इकोलॉजी ऑफ प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड, किसके द्वारा लिखी गई थी, डीसी नॉर्टन। वेरी गुड, एक निमेटोड में डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, इसके साथ साथ डिसेमिनेशन की बात करते हैं। देखो डिसेमिनेशन दो टाइप सकता है, या तो वो एक्टिव होगा या पैसिव होगा। नाम से पता लग रहा है एक्टिव का मतलब खुद बॉडी, यदि मान लो मैं एक्टिव तो मेरी बॉडी काम कर रही है तो मैं एक्टिव हूं। तो निमेटोड यदि खुद की बॉडी के द्वारा मूवमेंट करता है ना, और निमेटोड की जो बॉडी के द्वारा जो मूवमेंट करता है उसको बोला जाता है सिनुसोडियल मूवमेंट, याद रहे। मतलब जो निमेटोड यहां से यहां अगर चल के जा रहा है ना, तो वो खुद का एक्टिव है, और एक्टिव है तो यदि खुद की बॉडी के द्वारा मूवमेंट कर रहा है तो उस मूवमेंट को आप क्या नाम दोगे, सिनुसोडियल मूवमेंट। आपसे पूछेगा कि सिनुसोडियल मूवमेंट किसका एग्जांपल है, एक्टिव का या पैसिव का, तो किसका एग्जांपल हो जाएगा, एक्टिव का। बात आती है पैसिव की, मतलब पैसिव में किसी दूसरी चीज की आप हेल्प ले रहे हो, आप वाटर की हेल्प ले रहे हो, आप रेनफॉल की हेल्प ले रहे हो, इंसेक्ट की हेल्प ले रहे हो, किसी भी चीज की लो, फॉलेज की हेल्प ले रहे हो, सब पैसिव की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो पैसिव की बात करता हूं तो पैसिव में हो सकता है वाटर, इसमें हो सकता है विंड, इंसेक्ट, फोलियज। अब इसमें कोई एग्जांपल देख लो, विंड का इंपॉर्टेंट एग्जांपल कौन सा है, हेटेरोडेरा। इंसेक्ट में कोकोनट, हाँ, रेडरिंग मेथड, रेडरिंग और पाइन मिल्ट। फोलियज निमेटोड में Aphelanchoids. और ये आपके साथ 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फोलियज निमेटोड का क्या नाम होता है। तो जितने भी निमेटोड हैं उनके आप साइंटिफिक नेम तो एटलीस्ट रट ले, मैं याद ये नहीं करा, याद ले रट ले उन्हें, एक क्वेश्चन आपके उनमें से आता है। और
2019 में ये पूछा था कि अफ्लैंकोइड्स या फिर फोलेज निमेटोड का क्या नाम होता है, तो फोलेज निमेटोड का नाम होता है अफ्लैंकोइड्स। मतलब ये फोलेज के द्वारा पत्ती वगैरह इनके द्वारा क्या करता है, जैसे मान लो आपने क्या कर ली, ग्रीन मैन्यूरिंग कर रहे हो या फिर कोई और तरीका आप उसमें लीव्स की हार्वेस्टिंग कर रहे हो, डीथ्रेसिंग कर रहे हो, तो लीव्स को लेकर दूसरी जगह लेके गए, उसके साथ ट्रांसपोर्ट हो गया, तो फोलेज के द्वारा हो रहा है, फोलेज के द्वारा तो हो गया अफ्लैंकोइड्स। इंसेक्ट पाइनविल्ट और रेडरिंग हो गया, और विंड की बात करते हैं तो हेटेरोडेरा, और जनरली सबके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसिव वाले में तो वो है वाटर। मतलब इनके अलावा जो बच गए वो सारे किसके एग्जाम्पल है, वाटर वाले के एग्जाम्पल। विमल जाटा मैसेज कर रहा है क्रोटोलेरिया, हाँ भाई क्रोटोलेरिया लॉन्ग डिस्टेंस सीडलिंग, हाँ लॉन्ग डिस्टेंस सीडलिंग के द्वारा डीसी नॉटन, यस डीसी नॉटन अपने गांव के ही हैं, पड़ोसी हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहते। निमेटोड कितने डेप्थ तक आपको सोइल में मिलेंगे? 15 to 20। यस बाकी कमेंटमेंट ऑप्टिमम कितना होता है? हाँ भाई ऑप्टिमम बता दी ना, 15 से 30 वाला ऑप्टिमम होता है ना, ठीक है। जेनेटिक जो इसकी डाइवर्सिटी जो मेजर की जाती है निमेटोड की, वो कौन से इंडेक्स से की जाती है? सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा आपको, शेनन बियरर। वेरी गुड, सेनोनन वियर इंडेक्स। मतलब एक साइंटिस्ट था, उन साइंटिस्ट ने बता दिया कि हाँ आप ये चीजें ऐसे ऐसे मेजर कर सकते हो, इसकी पॉपुलेशन एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी से कर सकते हो, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से कर सकते हो, एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन उससे कर सकते हो, सब चीजों का अलग अलग उसने फॉर्मूला कर दिया। फॉर्मूला करने के बाद वो सबसे फॉर्मूला था वो फेमस हो गया, मतलब सब जगह अप्लाई होने लगा, तो सब जगह अप्लाई होने साइंटिस्ट के नाम पर ही क्या रख दिया फिर, सेनोनन वियर इंडेक्स। भाई इसने एक इंडेक्स बनाई है, इस इंडेक्स के हिसाब से आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन या उसकी जो डाइवर्सिटी है उसको मेजर कर सकते हो। तो डाइवर्सिटी मेजर करने के लिए सबसे बेस्ट इंडेक्स का नाम हो गया सेनन एंड वियर इंडेक्स। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इकोलॉजी हमारी कंप्लीट हो गई। चलो भाई आगे चलूं। यस एक बार यस टाइप कर दो फिर मैं आगे चलता हूं। क्या किसी कोई को डाउट हो तो भाई आप पूछ सकते हो, है ना। यस सर, सेनोन वियर इंडेक्स, ओके। चलो बच्चे रेडी हैं मतलब, है ना। और जैसा कि मैं एक चीज नोट कर पा रहा हूं, जब से आया हूं तब से लेके और बच्चे कंटिन्यू लाइव, इसका मतलब इंटरेस्टेड तो हैं, ये चीज तो माननी पड़ेगी। और अगर आपके इस जज्बे को सलाम, मैं ये चाहता हूँ कि जितने लाइव है सबका सिलेक्शन हो यार, मुझे तो खुशी मिलेगी। कोई कल को ऐसे कहे कि आपसे पढ़े हैं तो हमें भी थोड़ा सा प्राउड फील होता है कि यार हमारे स्टूडेंट्स का कहीं ना कहीं अच्छी जगह हुआ है, तो अच्छा लगता है। तभी तो फिर वो गाना चला अच्छा लगा मैंने, किरदार तेरा है। निमेटोड के बारे में कुछ दो चार बातें और होगी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देखो जितने भी आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ते हो, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो टाइप से हम क्लासिफाई करते हैं, मेल का और फीमेल का। ऑर्गन का नाम मैं नहीं बता रहा है, वो ऑर्गन का क्या है सबको पता है भाई, मेल के अंदर क्या क्या टेस्टिस मिलेगा, वास डिफरेंस मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा, सेमिनल वेसिकल मिलेगी, जो भी चीजें हैं। और अब मैं बात करता हूँ सेकेंडरी, जितने भी जो मैंने नाम लिए हैं ना अभी, वो सारे हैं प्राइमरी। अब मैं बात करूंगा वो सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी का क्या मतलब हो गया, सिर्फ ये मेल के अंदर ही पाए जाते हैं। दूसरी बात, तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मुझे नाम बताएगा कोई, क्या क्या है? स्पिक्यूल्स है, स्पाइरिकुलर, बुरसा, गुबर्नाकुलम, और कई जगह क्लोइका भी दिया होता है ना। बाकी आप बाकी जितने भी और ऑर्गन है वो सब आप लोग सुने हुए नाम, उनको मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। बस उसमें काम ये जो क्वेश्चन बनता है वो मैं इतना बताता हूँ कि मेल के अंदर जो टेस्टिस होता है उसका मेजर फंक्शन क्या होता है। तो मेल में टेस्टिस का मेजर फंक्शन होता है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है वो टेस्टिस करता है। देन दूसरा है कि इसके अंदर मेल के अंदर स्पर्म जो होते हैं उनको स्टोरेज करने का काम कौन करता है, तो जो सेमिनल वेसिकल होती है उसका मेजर फंक्शन होता है स्पर्म स्टोरेज करने का। तो दो ही क्वेश्चन बनते हैं मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से, स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस और स्पर्म का स्टोरेज सेमिनल वेसिकल। उसके बाद में ये देखो स्पिक्यूल्स, मतलब ऐसी एक स्ट्रक्चर होती है छोटी सी स्ट्रक्चर
जिसका नाम हम स्पीकुलस बोलते हैं। ये क्या करता है कि फीमेल के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट करने का काम करता है, ये याद रहे। किसका काम इसको? फीमेल बॉडी के अंदर किसको इंजेक्शन करेगा? वो स्पर्म को इंजेक्शन करेगा। देन देखो उसके बाद में गुबर्नाकुलम की बात करता हूँ। ये गुबर्नाकुलम क्या करता है? इसको गाइड करता है कि इसको किस साइड में या फिर किस डायरेक्शन में मूवमेंट करना है। तो जिस भी साइड में मान लो उसको लेफ्ट में मूवमेंट करना है, राइट में मूवमेंट करना है, तो उसको गाइड करने का काम कौन करेगा? गुबर्नाकुलम। तो इसका काम है गाइड द स्पीक्यूल्स। उसके बाद में बुरसा। बुरसा बस इतना याद रखना कि मेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और क्लोइका ये सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है, और मेल में भी ओनली प्लांट पैरासाइटिक नेमेटोड के अंदर। मतलब जिसके मेल में जो एनएस वाला रीजन हो, जो ओपनिंग होती है ना, वो याद रखना कि मतलब पोस्टीरियर पार्ट के अंदर जहां पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल के, जो ओपनिंग होती है वो किसके अंदर होती है? क्लोइका के अंदर। और ये सिर्फ प्लांट पैरासाइटिक नेमेटोड में पाया जाएगा। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये फ्री लिविंग नेमेटोड में नहीं पाया जाएगा? यस और नो, मुझे बता दो कि क्लोइका फ्री लिविंग नेमेटोड में प्रेजेंट होगा या नहीं? नो। हाँ, क्लोइका प्राइमर है पर कई जगह सेकेंडरी में भी इसको इंक्लूड किया गया। सर लास्ट वाली क्लास रिकॉर्ड है क्या यूट्यूब पर? बेटा लास्ट क्लास नहीं, नहीं, ये पहली लास्ट यही है, सारी रिकॉर्ड है ना, हटाते नहीं अपन। सर क्लोइका तो प्राइमरी है ना? हाँ, क्लोइका प्राइमरी कैटेगरी में रखते हैं और सेकेंडरी में, कई कई जगह दोनों दिए होते हैं। अगर आपको दोनों ऑप्शन मिल जाए तो आपको प्राइमरी चूज करना है। यस, इसका मतलब ये फ्री लिविंग नेमेटोड में नहीं मिलेगा, सिर्फ किसमें देखने में मिलेगा? प्राइमरी। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सारी चीजें होगी। उसके अंदर ओवरी का मेन काम है एग का फॉर्मेशन करना, और स्पर्मेथिका का मेन काम है फीमेल के अंदर स्पर्म का स्टोरेज करना। ये दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन, या फिर दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन उनके, और दो फंक्शन इनका ये फीमेल बॉडी में, याद रखना। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपके आता रहता है उसमें से कि डाइडेल्फी क्या है, प्रोडेल्फी क्या है, मोनोडेल्फी क्या है, वो आपको सीधा सा समझ लो बस, उसमें कुछ नहीं करना। एक तरफ है डेल्फिक और एक तरफ है ओर्चिक। पहले तो इनका, इन दोनों का मतलब समझ लो, फिर आपको आगे की चीजें अपने आप याद हो जाएगी। ओर्चिक का मतलब क्या है? टेस्टिस। और डेल्फिक का मतलब क्या है? ओवरी। ओके, अब देखो नाम आते जाएंगे और आपको बस उनको सेटलमेंट करना है भाई, कैसे क्या होगा। इसमें मैंने नाम लिखा, अरे भाई ये किसी का माइक रिमूव करो क्लास में, माइक बंद कर ले भाई, कितने बच्चे डिस्टर्ब हो रहे इसके चक्कर में, सॉरी। देखो मोनोडेल्फिक नाम से पता लग रहा है, मोनो का मतलब एक और डेल्फिक का मतलब ओवरी, मतलब जिसमें एक ही ओवरी प्रेजेंट हो, मोनोडेल्फिक। दूसरा हो जाएगा डाइडेल्फिक। देखो डाई का मतलब दो और डेल्फिक का मतलब ओवरी, जिसके अंदर दो ओवरी प्रेजेंट हो, डाइडेल्फिक। सीधी सी बातें समझते जाओ बस, एक एक वर्ड पकड़ना आपको और सीधी बातें आगे चलती रहेगी। देन एम्फीडेल्फी। देखो एम्फीडेल्फी का छोटा सा ये बात समझो, एम्फी का मतलब होता है कि एक आगे की साइड में, पीछे की साइड में, दो चीजें हम सेलेक्ट करते हैं। मान लो एक पूरी क्लास है या फिर एक लाइन लगी है, मतलब मुझे एम्फी स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, मतलब एक आगे की साइड से, एंटीरियर से, एक पोस्टीरियर से, दो यदि मैं सेलेक्ट कर रहा हूं तो उसको हम बोल रहे हैं एम्फी। तो मतलब इसमें क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं ना, सपोज दैट ये कोई नेमेटोड है और ये इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के यहाँ पे भी और यहाँ पे आपको दो ओवरी प्रेजेंट हो जाए दोनों साइड में, उसको क्या बोलेंगे हम? एम्फीडेल्फिक। ओके, देन इसके बाद में है प्रोडेल्फिक और ओपिस्टोडेल्फिक। प्रो का मतलब आगे, प्रो का मतलब क्या है? आगे, इन फ्रंट, और ओपिस्टो का मतलब बिहाइंड, पीछे। ये नेमेटोड है, ये इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के यदि यहां पे प्रेजेंट है आगे की साइड में, तो हो जाएगी प्रोडेल्फिक ओवरी। और ओपिस्टो का मतलब ये नेमेटोड, नेमेटोड की ये इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और यदि यहां पे प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा ओपिस्टोडेल्फिक। बात क्लियर है? एक एक समझ लो बस, मोनो का मतलब एक, टाई का मतलब दो, एम्फी का मतलब दोनों साइड में, प्रो और ओपिस्टो। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जब प्रोडेल्फिक और ओपिस्टोडेल्फिक होता है, इसमें ओवरी एक होती है, दो होती है? एक ही होती है, ओवरी होती है दो, याद रखना। ओके, इसमें भी दो ओवरी होगी, दोनों आगे की साइड में होगी, इसमें भी दो ओवरी होगी, दोनों की दोनों पीछे साइड में होगी। ओके, क्लियर। अब आ जाओ ओर्चिक में।
सेम बात है मोनो ओर्चिक, मोनो का मतलब एक, ओर्चिक का मतलब टेस्टिस, जिसमें एक ही टेस्टिस प्रेजेंट हो, डाई ओर्चिक जिसके अंदर कितने टेस्टिस प्रेजेंट हो, तो प्रो ओर्चिक, ओपिस्टो ओर्चिक। प्रो का मतलब ये इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के यदि एंटीरियर साइड में प्रेजेंट है तो प्रो ओर्चिक, और ये इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के यदि पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है तो ओपिस्टो ओर्चिक। इनमें से आपको कहीं ना कहीं घुमा फिरा कि क्वेश्चन आता है, एक बार आया हुआ है कि ओपिस्टो ओर्चिक क्या है, मोनो ओर्चिक क्या है, डाई ओर्चिक क्या है, कुछ नहीं है, बस दो ही चीजें आपने, डेल्फिक और ओर्चिक, ओर्चिक से टेस्टिस, डेल्फिक से ओवरी, बस बाकी की चीजें नाम देखते जाओ और सेलेक्ट करते जाओ, लोकेशन ये हो जाएगा इसकी लोकेशन साइड। यहां तक क्लियर है? वन पेयर, हाँ हाँ वन पेयर, यस गुड, वन पेयर होता है बेटा ना। सेंसरी ऑर्गन के बारे में थोड़ा सा एक बार वर्बली बताता हूं कि एम्फिट्स होता है, यदि मान लो निमेटोड तो मूवमेंट कर रहा है सोइल के अंदर, अब सोइल के अंदर मूवमेंट कर रहा है, उसको तो ऑर्गेनिक मैटर भी मिलेगा, रूट भी मिलेगी अलग अलग प्लांट्स की, इसके अलावा और भी कोई डिकम्पोज मटेरियल भी मिलेगा, तो वो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा कि मेरा ये होस्ट है या मेरा फूड यही है, क्या उसको पता लगता है? कोई भी निमेटोड कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा कि उसका होस्ट यही है? I'm getting your answer. सेंसरी ऑर्गन से, ओके। और सेंसरी ऑर्गन में भी अगर मैं बात करूं तो कौन सा सेंसरी ऑर्गन है जो उसको फूड डिटेक्शन में हेल्प करता है? एम्फिड्स। वेरी गुड। उसके अंदर बेटा होता है एम्फिड्स, और एम्फिड्स की वजह से वो क्या कर पाता है, फूड को डिटेक्ट कर पाता है, उसको पता लगता है कि हाँ ये मेरा फूड। एम्फिड्स, एम्फिड्स के अलावा और कौन कौन सी सेंसरी ऑर्गन है? Phasmids. Chordaleids. ये होते हैं। तो देखो बस इसमें क्वेश्चन क्या है, आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, चारों सेंसरी ऑर्गन है, ये है कीमोसेंसरी मतलब केमिकल के द्वारा पता लग रहा है, ये है वो मैकेनोसेंसरी मतलब मैकेनोरिसेप्टर जिसको बोलते हैं, मतलब टच के द्वारा जिसको पता लगता है। ये दोनों एम्फिड्स और सिफिलिड्स ना, ये निमेटोड के एंटीरियर साइड मतलब आगे की साइड में, या मैं बोलता हूँ हेड के ऊपर प्रेजेंट है, जबकि ये दोनों सिफिलिड्स और कोडिलिड्स ये दोनों पोस्टीरियर साइड में जहां पे एनएस वाला रीजन है वहां पे प्रेजेंट है, ओके। इनमें इसका मेजर पूछा जाता है, अगर इनमें भी चारों का नाम देके आपसे पूछ ले कि व्हिच वन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेंसरी ऑर्गन इन निमेटोड बॉडी, तो देन योर आंसर शुड बी एम्फिड्स, ठीक है? तो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एम्फिड्स, बाकी सिफिलिड्स, फैजमिड्स, कोडिलिड्स, इनके चारों के आपको ऑर्गन सेंसरी ऑर्गन के बारे में ध्यान रखना है। सर यस सर, जो बुरसा है वो भी सिर्फ प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड में होता है या फिर फ्री लिविंग में भी होता है? वो बुरसा का ऐसा कोई आइडेंटिफाई किया हुआ नहीं है, पर शायद दोनों में होता है, कहीं पे मेंशन किया नहीं है, पर दोनों में होता है जैसा मैं सोचता हूं। ओके सर, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन था निमेटोड से रिलेटेड वो कंप्लीट हो गई। अब हमारे सिलेबस में शायद 5-6 निमेटोड है, उनके बारे में एक छोटी सी समरी और देख लेते हैं भाई, क्या किस निमेटोड में क्या क्या पाया जा रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा, या इंपॉर्टेंट बातें उनकी क्या है। चले आगे, एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए, सब ने शेयर कर रखा है क्या? यूट्यूब के साथ ही हो आप लोगों के लिए इतना सेक्रीफाइस किया है, वरना हमारे पैड बच्चे तो उनको तो हम डायरेक्ट मैसेज दे सकते हैं, पर ठीक है एक बार चलना, सब चीज़ें सबको पैरल रखना जरूरी है भगवान के यहाँ, अगर देर अंधेर नहीं है ना, तो आप लोग एक बार सबसे सर इम्पोर्टेंट निमेटोड सिस्टम्स, भाई इतनी भयंकर इंग्लिश भाई मुझे आती नहीं, आप हिंदी में लिख दो, मजाक से इसने डिलीट ही कर दिया फिर कोई बात नहीं। ये सर कर दिया, बस आपका बहुत बहुत आभार रहेगा आपने कर दिया, तो सबसे पहले है रूट नॉट निमेटोड,
नाम हो गया, मेलेडोगाइनी स्पीसीज। मेलेडोगाइनी इसकी फैमिली हो जाएगी। रूट नोड नेमेटोड की डिस्कवरी इंडिया में तो किसने की और वर्ल्ड में किसने की? इंडिया में बार्बर ने और वर्ल्ड में बर्कली ने। वर्ल्ड में किसने बताया? बर्कली ने 1955 में। कब की है बर्कली ने? 1855 के अंदर। और इंडिया में कर दिया बार्बर ने। और बाबर ने कब किया? 1901। हाँ, अब देखो अगर थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन देखना आपको टफ तो वही पूछेगा कि जो मेलेडोगाइनी नेमेटोड की वर्ल्ड में डिस्कवरी बर्केली के द्वारा की गई थी वो कौन सी क्रॉप में की गई थी और कहाँ पे की गई थी? कुकुम्बर इन इंग्लैंड। कुकुम्बर इन इंग्लैंड। इसमें तो मतलब क्रॉप का नाम तो हो जाएगा कुकुम्बर और जगह का नाम यदि आपको लोकेशन पूछे तो इंग्लैंड। उसके बाद में बार्बर की बात करते तो 1901 में इसने कौन सी क्रॉप पे की थी? लीपर केरला में। केरला के अंदर। और विच वन इज द फर्स्ट नेमेटोड सर? विच वन इज द फर्स्ट नेमेटोड? फर्स्ट डिस्कवर्ड नेमेटोड। वेरी गुड। अगर आपको कोई भी नाम नहीं देता, कोई भी नाम नहीं देता तो उस कंडीशन में आपको बेटा काम नाम करके आना है विनेगर ईलबम। यदि आपसे पूछता है कि इंडिया के अंदर फर्स्ट नेमेटोड कौन सा है या सॉरी आपसे पूछ ले कि फर्स्ट प्लांट पैरासाइटिक नेमेटोड कौन सा है तो प्लांट पैरासाइटिक की कैटेगरी में आपको करके आना है एंगिनाटेटिसाइड जो अभी आपके डब्ल्यूओ के अंदर भी आया था, है ना? तो याद रहे आपको, देखो वैसे लिख देता हूं मैं, फर्स्ट नेमेटोड जिसका नाम है विनेगर ईलबॉम, इसका नाम होता है प्रोबायोटिक्स एसिटी, ठीक है? और यदि बात की जाती है प्लांट पैरासाइटिक नेमेटोड की, ये सबको बताइए आपको एंगिना ट्रेटिसाइड। ये जो ट्रोबैट्रिक्स एसिटी है इसकी डिस्कवरी कब हुई थी और किसने की थी? बोरेलस नाम का साइंटिस्ट था और डिस्कवरी कब कर दी? 1656 के अंदर। इसकी कर दी टीजीनिडम ने कब कर दी? 1743 के अंदर। तो आपसे अगर कोई भी नाम नहीं दे सीधा ऐसे पूछ ले कि फर्स्ट नेमेटोड कौन सा था डिस्कवर्ड नेमेटोड तब आपको विनेगर ईलबॉम करके आना है। यदि आपको विनेगर ईलबॉम ऑप्शन में नहीं मिलता और नाम भी नहीं दिया उसने कि फर्स्ट नेमेटोड कौन सा है और विनेगर ईलबॉम ऑप्शन भी नहीं है तब आप सीधे भाई किस पे जाओगे? एंगिना ट्रेटिसाई पे। अगर उसने नाम मेंशन किया है प्लांट पैरासिटिक पूछा है या फ्री लिविंग पूछा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फ्री लिविंग में सीधा ये हो जाएगा प्लांट पैरासिटिक में सीधा हो जाएगा। कोई भी नाम नहीं दिया उस कंडीशन में ये करके आना है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है कोई भी नाम नहीं दिया तब उस कंडीशन में आपको ये करके आना है। कैम्ब्रिडेरी प्लीज। मैं समझा नहीं भाई आप क्या कह रहे हैं। राजा राम जी बुनकर सर नमस्कार आपको मेरा प्रणाम साधुवाद। आप आए अपना समय निकाल कर उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप लोगों के प्रेम से ही सब कुछ ये पॉसिबल हो पा रहा है। चलो हेलो एवरीवन, अफेक्टेड इज कर रहा है सिरेट मैक्सिमम टू मैक्सिमम बहुत ज़्यादा, इतना शेयर कर दो आग लग जाए आग। हाय सर फ्रॉम कर्नाटका। ओ हेलो फ्रॉम राजस्थान। गुलाबी नगरी। इसके बाद देखो इस नेमेटोड की बेसिक बेसिक टाइप ऑफ पैरासिटिज्म कैसे होता है भाई? इसका रूट नोड नेमेटोड का सेडेंटरी एंडोपैरासाइट। सेडेंटरी एंडोपैरासाइट। सेडेंटरी एंडोपैरासाइट। पहले ये समझ लेते हैं हम सेडेंटरी का मतलब क्या। देखो नेमेटोड का जो टाइप ऑफ पैरासिटिज्म होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है माइग्रेटरी टाइप का एक होता है सेडेंटरी टाइप का।
माइग्रेटरी का मतलब एक बार आया और अटैक करके चला गया, दैट इज माइग्रेटरी। और एक बार आया और परमानेंट प्रेजेंट है, वहां पे अटैक किया उसके बाद ही वहीं पे प्रेजेंट है, तो वो हो जाएगा सेडेंटरी। सब जानते हो जैसे कि मैं बताऊं सेडेंटरी, और हम जनरली क्या करते हैं कि किसी के यहाँ शादी रहती है तो एक बार एक दिन जाते हैं, उस दिन तो आहार नाल पूरी सीधी करके आ जाते हैं, मतलब वो तो हो गया सेडेंटरी टाइप, वो माइग्रेटरी टाइप मतलब एक बार गए और अटैक करके आ गए। और अगर हमारे घर में शादी है हमारे बुआजी के यहाँ, तो 5 दिन पहले चले जाते हैं और 10 दिन तक आते नहीं। ये आदित्य है ना, अभी कमेंट आ रहा है इसका लगातार, तो इसका ऐसा होता है कि इसके तई पड़ोस में बुआजी हो, मतलब पड़ोसी की बुआजी हो, तो अभी 5 दिन पहले चला जाता है 10 दिन तक नहीं आता, वो सेडेंटरी टाइप हो जाता है, फिर वो नहीं छोड़ता। फिर एंडोपैरासाइट और एक्टो दोनों, मतलब बाहर नाश्ता लेके आते हैं सब, तब एक्टोपैरासाइट के रूप में था, फिर अंदर और चलाता है, मैं नाश्ता डाल देता हूँ, बाद में पता लगता है जेब में नाश्ता डाल रहा है, ऐसा ही उसका सिस्टम। चलो अपने टाइप ऑफ प्रेसिडेंट, इसकी फेकुंडिटी रेट क्या हो गई भाई, बताओ फेकुंडिटी रेट क्या है? देखो पहले तो ये 200 से 400, वेरी गुड, इसकी फेकुंडिटी रेट हो गई। अब मैं कुछ अलग अलग स्पीशीजों की बात करता हूँ, स्पीशीज में जो आपको कहीं ना क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, तो एक तो है मेलोडोगाइनी हेक्ला, मेलोडोगाइनी ब्रेविकोडा, कौन कौन सी स्पीशीज बताते जाओ, मेलोडोगाइनी अरेनेरिया, मेलोडोगाइनी टेंडिगा, मेलोडोगाइनी इनकॉग्निटा, इसके अलावा और कौन सी बच रही है, एक्जिगुआ, मेलोडोगाइनी ग्रेमिनिकोला, तो इसके लग रहा है कि स्पीशीज इनमें से एक क्वेश्चन आता है कि हेप्ला होती है ना, हेप्ला ये कहां पे लगती है, ये इसका जो अटैक होता है वो सबसे ज्यादा कहां पे होता है, टेम्परेट रीजन में। अब इसको घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकता है आपको कि टेम्परेट रीजन, जैसे मान लो टेम्परेट रीजन की क्रॉप का नाम दे दे आपको, दे दे एप्पल, एप्पल में कौन सी लगेगी, हेप्ला लगेगी, भाई सिंपल एक बात याद है ना हमें टेम्परेट रीजन। दूसरी बात अगर एरिया वाइज पूछ ले आपसे, बोले कि नॉर्थ इंडिया में कौन सी लगेगी, हमें पता है नॉर्थ इंडिया का जो वो रीजन है वो कैसा है, बिल्कुल टेम्परेट है, तो टेम्परेट रीजन है तो कौन सी लगेगी, हेप्ला लगेगी। तो एप्पल, पियर, पीच, प्लम कोई भी क्रॉप दे दे, तो इनमें से पूछ सकते आपको इनमें से कौन सी लगेगी, टेम्परेट रीजन का पूछ ले, या फिर वो पूछ स्टेट वाइज पूछ ले आपसे, पूछ ले कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी लगेगी, जम्मू कश्मीर में कौन सी लगेगी, हमें पता है टेम्परेट रीजन है तो सब में टेम्परेट रीजन में कौन सी लग जाएगी, हेप्ला, मतलब घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है आपको, तो आपको इतनी बात पता है कि भाई टेम्परेट रीजन में होगी, इसका मतलब आप उसको इजी वे के अंदर आपका राइट आंसर दे सकते हैं। देन ब्रेविकोडा किस में लगती है, और चाय के बागान जो आसाम वो है, कहां बागवान कहां पे, आसाम में अरेनेरिया, ग्राउंडनट कहाँ पे है, मोदी जी की गृहस्थली पर गुजरात में, इंडिका सिट्रस, और ये भी कहाँ, गुजरात में, इनकोगिनिटा, ये किस में, वेजिटेबल। मुझे ये बता दो इनकोगिनिटा इंडिया में प्रेजेंट है या नहीं, साउथ इंडिया में, करण संधु प्रेजेंट नहीं, नहीं इंडिया में प्रेजेंट नहीं है ना, ऐसा कहा जाता है। सर आप यूट्यूब पर क्लासेस नहीं लगाते हो, प्लीज लगाया करो भाई, करण संधु ये यूट्यूब पे चल रही है मेरे हिसाब से, और आप कमेंट भी यूट्यूब पे कर रहे हो, यूट्यूब पे क्लासेस लगाने का आपको एक्चुअल बात बता दो, बात ये नहीं कि यूट्यूब पे हम क्लास नहीं लगाते, दिक्कत ये हमारे को टाइम ही नहीं मिलता, वरना टाइम मिलता है तो अब जैसे हम फ्री हो तो हमने लगा दी यूट्यूब पे, पूरे साल पहले से इतना वर्क लोडेड रहता है, जितने पैड बच्चे सबको पता है कितना सिस्टम है, वैसे टाइम नहीं मिलता तो कहाँ यूट्यूब पे क्लासें लगवाएं, यूट्यूब से सर थोड़ा सा जल पिला दो सॉरी सॉरी वेजिटेबल एक्सडीवा किस में लगती है भाई, कॉफी, और कहाँ पे, केरला, और कर्नाटका, और ग्रेमिनिकोला, राइस। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है वो हेप्ला का,
सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से या तो हेप्ला पूछेगा या अनेरियम करके पूछेगा, एक बार उसमें पूछा हुआ है ये। इफको क्रिप्को का जो एग्जाम लगता है उसमें पूछा हुआ है कि जो ग्राउंडनट में लगने वाली स्पीसीज है वो कौन सी है, तो ग्राउंडनट में लगने वाली है अरेनेरिया। ये इसके स्पीसीज के बारे में बात हो गई भाई, क्या क्या है, क्या क्या चीजें नहीं मिलेगी इसमें, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, की बेसिक इंफॉर्मेशन की। देन दूसरे की निमेटोड की बात करता हूं, जैसे हम बात करते हैं सिस्ट निमेटोड की। सिस्ट निमेटोड का क्या नाम होता है? और दूसरा ग्लोबोडेरा। देखो बेसिक चीजें मैं एक साथ ही बताता हूँ। इन्फेक्टिव स्टेज आपसे अगर पूछ ले तो जितने भी निमेटोड में सब में आपके इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी आएगी, आपके सिलेबस वालों की बात कर रहा हूँ मैं, कौन सी स्टेज भाई इन्फेक्टिव स्टेज उनकी? J2। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए J4 वाला या प्री एडल्ट वाला, वो कौन सा है? प्री एडल्ट को आप J4 बोल सकते हैं सर, क्योंकि हम जनरली पढ़ते आते भाई एग है, क्योंकि छह स्टेज पढ़े हैं जस्ट, एग के बाद में J1 J2 J3 J4 और एडल्ट, ये टोटल छह स्टेज हैं। इनमें से एडल्ट से जस्ट पहले वाली J4, तो इसका क्या नाम रखा जाता है? प्री एडल्ट। तो आपसे ये पूछा था कि रेनिफॉर्म निमेटोड की इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, या आपको प्री एडल्ट इसकी इन्फेक्टिव स्टेज है। जितने भी निमेटोड आपके सिलेबस में दिए हैं सबके अगर बात की जाए तो कौन सी लैंग्वेज गए इनका जो नाम है, जैसे हेटेरोडेरा है तो कौन सी लैंग्वेज गए ये वर्ड सारे? किसके? ग्रीक, लैटिन, ग्रीक के। किसके भाई? लेकिन यदि बात की जाए किसकी, ग्लोबोडेरा की, और ग्लोबोडेरा के साथ साथ दूसरा कौन सा निमेटोड बताओ? सिट्रस। सिट्रस इन दोनों की कैसी है लैंग्वेज? लैटिन। देखो लेकिन अगर एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया भी था कि ग्लोबोडेरा में यदि दोनों दिए हुए आपको लैटिन प्लस ग्रीक, तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे? लैटिन प्लस ग्रीक को। ओके भाई सिंपल एक दे दिया लैटिन तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लैटिन करके आओ, लेकिन यदि आपको लैटिन प्लस ग्रीक दोनों दे दिया ग्लोबोडेरा में, तो फिर आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? लैटिन प्लस ग्रीक को। आया होगा शायद आपके क्वेश्चन एक नेमेटोलॉजी का जो टेस्ट लगा था, है ना? यस सर। हां यस सर, तो उस चीज को आप करेक्ट कर ले। ये है कॉमन इंफॉर्मेशन हर एक नेमेटोड के, तो आपको यहां में यहां हर एक निमेटोड के अंदर वो लिखने की जरूरत पड़नी है। फैमिली क्या हो जाएगी इसकी? जैसा नाम वैसे इसकी फैमिली, तो हेटेरोडेरिडी करके इसकी फैमिली हो जाएगी। डिस्कवरी करने वाला कौन था? कौन कब किया? 1912 में। इंडिया में डिस्कवरी करने वाला कौन था इसकी? वसुदेव। वेरी गुड, ये क्वेश्चन आपको पूछा, ये इसमें इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें जो निमेटोड की डिस्कवरी करने वाला था वासुदेवा, और इसने कब की? 1958 में। कहां पे की इसने? सीकर, नीम का थाना। नीम का थाना, और ये पड़ता है सीकर राजस्थान के अंदर। मतलब इसने जब डिस्कवरी की थी ना वासुदेवा ने, तब उसने ये भी बताया था कि हेटेरोडेरा की वजह से एक डिजीज भी होती है, उस डिजीज का क्या नाम था? मोल्डिया। तो ये बात हो गई इसकी भाई, किसने क्या क्या कर दिया। इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी हो जाएगी सबकी? J2। टाइप ऑफ पैरासिटिज्म कैसा हो जाएगा इसका? सेडेंट्री एंडोपैरासाइट, मतलब जैसा रूट नोड निमेटोड होता है वैसा ही कौन होता है? सिस्ट निमेटोड। फेकुंडिटी इसकी कितनी हो जाएगी? कितने जाइए ये बताओ? 400 इसके समथिंग लगभग 400 इसके लगभग फेकुंडिटी। इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर बता दो, ये कितने टेम्परेचर पे ये सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, या इसका सर्वाइवल रेट ज्यादा रहती है?
वेरी गुड, मतलब यदि 17 से 18 डिग्री टेम्परेचर रहेगा तो इसकी सर्वाइवल रेट सबसे ज्यादा, इतनी बात याद रखना। सर इसकी डिस्कवरी कोब ने की थी कि कोहन ने की थी? सर इसकी तो कोहन ने की थी ना। किसकी? कोब ने तो, कोब ने तो सिट्रस की की थी ना। हाँ कर लेना करेक्ट। कहाँ है इसमें पता नहीं, मैं भूल गया कहाँ लिखा है इसमें। कोब अच्छा ऊपर ही ऊपर से। हाँ ये भी गलत है, तो इसकी कोहन हो जाएगी। सिट्रस नहीं टूट गया मेरे को, दो मैं पहले सिट्रस लिख दिया, मेरे माइंड में सिट्रस चला था। इसके टोटल जीनस कितने हैं, टोटल जेनेरा? एट। जैसे हेटेरोडेरा, ग्लोबोडेरा, पंक्टोडेरा, सेरिसोडेरा, ऐसे करके टोटल जेनेरा पूछ लेते, टोटल जेनेरा हो जाएंगे इसके 8। सिम्टम्स डिजीज के कौन कौन से सिम्टम्स होंगे बताओ? सबसे यही है सबसे पहला तो मोलिया, क्योंकि बताओ ये बता दो मुझे, बारले में ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वीट में मोलिया? बारले में। हाँ इसका बारले इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 1874 कोहन, अच्छा हाँ शायद 74 ही है, मुझे कंफर्म नहीं। सेडेंटरी एंडोपैरासाइट, ठीक है मोलिया डिजीज चल रहा है, कुछ नहीं आया कमेंट। सर को फोन कर दो, मैं 5 मिनट में जाऊँ। सिट्रस नेमेटोड क्या नाम है इसका बताओ? टाइलेंकुलस सेमी पेनिट्रेट फैमिली वगैरह सब सेम हो जाएगी। सिट्रस नेमेटोड इसकी डिस्कवरी किसने कर दी? कोब ने। इसका एक इंपॉर्टेंट करैक्टर है, ये जब अटैक करता है तो मुझे बता दो रूट जोन के कितने आसपास में रहेगा। जैसे मान लो सिट्रस का प्लांट है और सिट्रस के प्लांट के कितने आसपास में ये प्रेजेंट रहेगा, जस्ट पास में रहेगा या थोड़ी दूर रहेगा? 30 सेंटीमीटर बिलो और 30 सेंटीमीटर साइड में, लगभग 30 से 50 सेंटीमीटर इससे डिस्टेंस रहेगी। और जब आप टॉप से देखोगे तो लगभग 30 सेंटीमीटर डेप्थ पे ये आपको मिलेगा। मतलब आपको ऐसी किसी ने कह दिया कि आपको सिट्रस नेमेटोड कलेक्ट करके लाना है, तो आप सिट्रस के प्लांट से 30 से 50 सेंटीमीटर दूरी पे जाके और 30 सेंटीमीटर डेप्थ पे एक गड्ढा बना लो, वहां पे आपको क्या मिलेगा? सिट्रस नेमेटोड, ठीक है। और इसकी वजह से एक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है जिसका नाम है स्प्रेडिंग डिक्लाइन, नाम सुनाइए कभी, और एक है स्लो डिक्लाइन जिसी के और भी नाम होते हैं स्लो डिक्लाइन के। दूसरे पेज में लिखा था, ये सिम्टम्स बनते हैं सिट्रस नेमेटोड में। स्प्रेडिंग डिक्लाइन किसकी वजह से होता है मुझे ये बता दो? स्लो डिक्लाइन, सिट्रस डिक्लाइन या डाइबैक जो होता है वो किसी वजह से होता है? सिट्रस नेमेटोड की वजह से। इसका कौन बताएगा स्प्रेडिंग डिक्लाइन किसकी वजह से होता है? रोडोफिलस सिट्रोलोफिलस। वेरी गुड। जिसका कॉमन नाम क्या होता है? ब्रोइंग नेमेटोड, है ना, उसकी वजह से। अब याद रहे दोनों में कंफ्यूज ये रहता है कि स्लो डिक्लाइन और स्प्रेडिंग डिक्लाइन। देखिए सिट्रस नेमेटोड में सिर्फ स्लो डिक्लाइन रहेगी जबकि स्प्रेडिंग डिक्लाइन किसी दूसरे नेमेटोड की वजह से होती है। वो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको इसे कंफ्यूज दूर करने के लिए बता रहा हूं, स्प्रेडिंग डिक्लाइन में कहीं आप सिट्रस नेमेटोड ना करके आ जाए, क्योंकि हमें स्लो डिक्लाइन नाम दिख रहा है तो स्प्रेडिंग लाइन भी उसका जैसा ही सोच लिया कि उसी का नाम होता होगा, क्योंकि यहाँ स्लो के और भी नाम है, सिट्रस डिक्लाइन भी है, डाईबैक भी है,
तो जनरली क्या सोचते हैं बच्चे भाई इसी का नाम होगा, तो याद रहे आपको स्प्रेडिंग लाइन अलग है। इसके अंदर एक बनती है नर्व सेल, सुना है ना सबने, मतलब जहां पे वो अटैक करेगा ना, अटैक करने के बाद वहां से अंदर से सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, सेल को डिस्ट्रॉय करेगा तो एक साथ पूरी सेल मिल जाएगी, और सेल मिल जाएगी तो मल्टी न्यूक्लियर, मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस मिल जाएंगे वहां पे, एक से ज्यादा न्यूक्लियस मिल जाएगा तो उसको बोलेंगे मल्टी न्यूक्लियर, और वहां पे बन जाएगी नर्व सेल। और नर्व सेल कितनी बनाता है ये 6 से 10, एक बार के एग्जाम में आया हुआ ये कि जो सिट्रस नेमेटोड है वो कितनी नर्व सेल बनाता है, तो वो बनाता है 6 से लेके 10। और सीधा क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि नर्व सेल का फॉर्मेशन कौन करता है, तो नर्व सेल का फॉर्मेशन करेगा सिट्रस नेमेटोड। ओके, रेनिफॉर्म नेमेटोड, क्या नाम होता है इसका, बताओ भाई नाम, प्रोटिलेनकस रेंटिकुलस। एकमात्र ऐसा नेमेटोड जिसका नाम उसके साइंटिफिक नेम पे रखा गया है, वो भी कौन सा है, प्रोटिलेनकस रेनिफॉर्मिस। इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होगी इसकी, J4 या J4 प्री एडल्ट, इन दोनों की, सिट्रस नेमेटोड की और रेनिफॉर्म नेमेटोड की टाइप ऑफ पैरासिटिज्म कैसा होता है, कॉमन लिख देता हूं मैं एक साथ, सेडेंटरी सेमी एंडोपैरासाइट। सेडेंटरी सेमी एंडो पैरासाइट, तो ये याद रखना कि शुरू के जो दो थे वो थे सेडेंटरी एंडो पैरासाइट, उसके बाद के जो दो थे वो थे सेडेंटरी सेमी एंडो पैरासाइट, ऐसे करके याद कर लेना। इसमें दो रेस चलती है रेनिफॉर्म नेमेटोड में, रेस ए और रेस बी। रेस ए को तो किस पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, कैस्टर कॉटन काउपी, कैस्टर कॉटन और काउपी, जबकि रेस बी को किस पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओनली काउपी, ओनली काउपी। इसमें से क्वेश्चन पूछता है आपको कि रेनिफॉर्म नेमेटोड की जो रेस बी होती है उसको किस पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब रेस का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो एक इंडिविजुअल कोई ग्रुप है, कोई पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन क्या होता है भाई, एक स्पीसीज होती है, तो एक स्पीसीज में आपको जैसे मान लो ये मान के चला कि हम ये नेमेटोड की पॉपुलेशन है, और यहाँ पे अलग अलग प्लांट है, ये जितने भी नेमेटोड जा रहे हैं तीनों प्लांटों पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन एक नेमेटोड सिर्फ एक ही प्लांट पे अटैक किया, तो वो उसका अलग रेस हो गया, मतलब वो सिर्फ किस पे अटैक कर रहा है, ओनली दैट काउपी पे, तो ये रेस अलग हो गई, ये रेस अलग हो गई। तो मतलब एक ही स्पीसीज के हों, लेकिन उनका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जिनकी मोर्फोलॉजी सेम हो और फिजियोलॉजी अलग हो उसको रेस बोलते हैं, मतलब बाहर से दिखने में सेम है क्योंकि मॉर्फोलॉजी सबकी सेम रहेगी, एक ही स्पीसीज के, लेकिन करेक्टर अलग अलग है, मतलब अटैक कर रहा है इसका मतलब उसकी फिजियोलॉजी अलग है, अंदर का सिस्टम अलग है, जब अंदर का सिस्टम अलग है तो फिजियोलॉजी अलग होगी, तो फिजियोलॉजी को रेस को हम बोल सकते हैं कि रेस उसी को बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी सेम रहे और फिजियोलॉजी अलग अलग रहे। वीरेंद्र सिंह शेखावत, यस अतुल सर, आई होप यू एंजॉय दिस क्लास, बाकी सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, हाँ ठीक चल रहा है। के बाद में हमारे सीड गोल नेमेटोड, और सीड गोल नेमेटोड में देखो इसके अलग अलग, अभी तक हमने यही सुनते आए हैं सबके सब कि टुंडू ईयर कोकल येलो ईयर रोट शेहू गेगला मामनी सब एक ही है, क्या एक है या अलग अलग, थोड़ा सा कंफ्यूज, आप देख लो सीड गोल नेमेटोड का नाम होता है एंग्युना ट्रेटिसाई, ये होता है इसके सिनोनिम्स की बात कर देता हूं तो सीड गोल, सीड गोल का ही नाम होता है ईयर कोकल, इसी का दूसरा नाम होता है सेहू, इसी का होता है गेगला, और इसके अलावा इसको बोलते हैं मामनी। ये तो है सीड गोल की बात, सिंपल बात कर रहा हूं सिर्फ एंग्युना ट्रेटिसाई की, इसी के साथ एसोसिएशन की बात करता हूं, इसमें रहेगा निमेटोड और निमेटोड के साथ बैक्टीरिया, निमेटोड का नाम हो जाएगा
एंग्यूना ट्रिटिसाई प्लस बैक्टीरिया का नाम हो जाएगा क्लेविबैक्टर ट्रिटिसाई। ठीक है, ये दो चीजें, ये कॉम्बिनेशन है निमेटोड और बैक्टीरिया का, मतलब इसकी वजह से जो होती है उसको बोलते हैं येलो ईयर रोट, या फिर इसका दूसरा नाम होता है टुंडू। अब आप कंफ्यूज मत होना, टुंडू क्या चीज है, तो टुंडू का दूसरा नाम है येलो ईयर रोट। जबकि बात की जाती है सीड गोल निमेटोड की, तो एंग्यूना ट्रिटिसाई है जिसको ईयर कोकल बोल दो, चाहे सेव बोल दो, चाहे गेगला बोल दो, चाहे मामनी बोल दो, ये दोनों अलग अलग चीजें। ये पहली बात तो ये होगी। अगर फिर भी अगर किसी को ऐसे लग रहा है कि मैंने तो एक ही पढ़ा है, तो आप देखो इसका नेचर ऑफ अटैक की बात देता हूं कि जो सेऊ वाला है और दूसरा है टुंडू, इनके लिए जो कंडेंसिव एनवायरनमेंट चाहिए, ये अटैक करता है हमेशा हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी के ऊपर, और ये अटैक करता है लो टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी के। तो अब तो पता लग गया भाई दोनों का, जब एनवायरमेंट ही अलग अलग है, एक तो हाई टेम्परेचर में काम कर रहा है, एक लो में काम कर रहा है, इसका मतलब दोनों तो अलग अलग चीजें होगी। ये सेव है, इसका एंग्यूना ट्रिटिसाई, यही दुनिया का पहला नेमेटोड है जिसकी 1743 में डिस्कवरी की गई थी, और आपके नेमेटोड अभी कल परसों डब्ल्यू वाले एग्जाम में आया था। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, इसमें जो एक गोल बनती है, नाम से पता लग रहा है सीड गोल, मतलब सीड के ऊपर गोल बन जाएगी, इस एक गोल के अंदर इसकी जुवेनाइल स्टेज मिलेगी लगभग 3000 से लेके 12000, कितने जुवेनाइल मिलेंगे एक गोल की बात कर रहा हूं मैं, तो एक गोल में लगभग आपको 3000 से 12000 जुवेनाइल स्टेज मिलेगी। जब ये गोल बनाता है तो गोल बनाता कौन है इसमें, तो इसमें गोल बनाने के लिए अलग अलग अमीनो एसिड कई चीजें इसके अंदर रेस्पॉन्सिबल है। इसमें मेल और फीमेल का रेशियो भी कि कितनी फीमेल चाहिए कितना मेल चाहिए, तो क्या रेशियो रहता है बताओ उसका, कि एक मेल और दो फीमेल बनके वो गोल फॉर्मेशन में उसकी हेल्प करते हैं। इसकी जो क्विजेंस में जाती है स्टेज, तो मुझे बता दो इसकी जो स्टेज कौन सी स्टेज क्विजेंस में जाती है, J1 J2 J3 J4 ऑफिशियल रेज 18 बोल रहा है, कोई ना सर वेट फॉर यू, गायब हो गए सर आप। अरे सर कहीं नहीं गायब हुए, सब आ रहे हैं, स्लाइड नहीं आ रही, आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी। एक बार चेक करो भाई, दिखा आ गए क्या सर, हाँ जी सर आए, हाँ ठीक है ठीक है ठीक आ गए। चलो तो ये मेल और फीमेल क्यूजेंस की कौन सी स्टेज है, वो सॉरी इसकी कौन सी स्टेज है जो क्यूजेंस में जाती है, ये बता दो मुझे पहले। टाइम पीरियड सबको पता है कि कितने टाइम पीरियड तक जाती है, लेकिन कौन सी स्टेज जाती है ये इंपॉर्टेंट बात है। याद रहे बेटा J4 स्टेज कौन सी, J4 इसकी क्विजेंस में जाती है, और कितने टाइम पीरियड तक जाती है, 28 ईयर, अगर 28 ऑप्शन में नहीं आए तो 32 ईयर, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको 28 को देनी है। इसके अलावा इसकी जो टोटल लाइफ साइकिल होती है वो कितने दिन की होती है, वन टेन 110 दिन।
डिस्कवर जो टाइप ऑफ पैरासिटिज्म की बात कर ले तो टाइप ऑफ पैरासिटिज्म कैसा होता है इसका थोड़ा सा स्पेसिफिक है। अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे हो वो सेडेंटरी सेमी एंडोपैरासाइट माइग्रेटरी ऐसा करके कुछ पढ़ रहे होगे, लेकिन इसका जो पैरासिटिज्म है वो होता है इनिशियली एक्टोपैरासाइट, उसके बाद में कैसा हो जाता है एंडोपैरासाइट। ओके तो ये होगी इसके टाइप ऑफ पैरासिटिज्म की बात, इसी के साथ हमारा शेड्यूल जो नेमेटोड था वो होता है कंप्लीट। देन कुछ बेसिक बातें और होगी जो मैं आपको डायरेक्टली लिखा देता हूं। देखो निमेटोड और बैक्टीरिया का इंटरेक्शन किसने देखा, निमेटोड और फंजाई का इंटरेक्शन किसने देखा, यदि निमेटोड और फंजाई की बात की जाती है तो ये देखा सबसे पहले एटकिंसन ने, और ये कब देखा 1892 के अंदर। यदि बात की जाती है निमेटोड और बैक्टीरिया का तो ये देखा किसने, इसका नाम है फंगस। साइंटिस्ट का क्या नाम था, फंगर। फंगर हाँ, फंगर ने कब देखा 1901 मतलब उसने ये देखा कि इसके अंदर जो निमेटोड और बैक्टीरिया की वजह से एक डिजीज होती है और निमेटोड और फंजाई के कॉम्बिनेशन से भी एक डिजीज होती है, तो ये एटकिंसन ने देखा और वो हंगर ने देखा। उसके बाद में तीन साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हैविट, रस्की और गोहिन। इन तीनों ने आगे ये भी देखा कि निमेटोड है वो एक वेक्टर का भी काम करता है, भाई एक डिजीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकता है, ये निमेटोड के अंदर कैपेबिलिटी देखने को मिली। और इन तीनों चीजों के बारे में मतलब निमेटोड एक्ट एज ए वेक्टर इसके बारे में बताने वाले हैविट, रस्की और गोहिन। अब उन्होंने वेक्टर के बारे में बता दिया, फिर उसके बाद में देखा कि वायरस के दो अलग अलग ग्रुप बनते हैं निमेटोड के अंदर, एक बनता है नेपो वायरस का ग्रुप और दूसरा बनता है नेटू वायरस का ग्रुप, और नेटू जो वायरस का ग्रुप होता है इसी का दूसरा नाम होता है टोबरा वायरस। नेपो वायरस ग्रुप को ट्रांसमिट करने वाले निमेटोड का नाम है जिफिनेमा और लॉन्गिडोरस, और नेटो वायरस को ट्रांसमिट करने वाले का नाम है ट्राइकोडोरस और पैराट्राइकोडोरस। एग्जाम्पल पूछ ले ग्रेपविलीन लीफ वायरस या फिर टोमेटो रिंग स्पॉट वायरस, सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि ग्रेप वाइन फैन लीफ वायरस होता है उसके वेक्टर का काम कौन करता है, तो याद रहे जिफिनेमा करता है, इसमें भी ज्यादा जिफिनेमा करता है, लॉन्गिडोरस बहुत कम करता है। टोमेटो रिंग स्पॉट का पूछ ले तो कौन करेगा, जिफिनेमा। अगर इसमें एग्जाम्पल पूछ ले पपाया रिंग पियरली ब्राउनिंग और इसके अलावा है टोबेगो रेटल, ठीक है, तो इनमें से कहीं आपको नेपो वायरस या नेटो वायरस में यदि कभी क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट सीधा सा कर लेना। और इसी के साथ हमारी निमेटोलॉजी होती है समाप्त। फर्स्ट निमेटोड कौन सा है, विनेगर ईल वर्म एंड सीड गोल निमेटोड। लक्ष्मी कौर बेटा फर्स्ट निमेटोड अगर आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेना तो विनेगर ईल वर्म आएगा, अगर आपसे पूछ ले कि विच वन इज द फर्स्ट प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड तो प्लांट पैरासाइटिक कैटेगरी में सीड गोल आएगा। अगर आपको वहां ऑप्शन में विनेगर ईल वर्म नहीं मिलता तो अब आप किस पे जाओगे, सीड गोल के ऊपर, अभी डब्ल्यू में आया था ना सीड गोल वाला एंगिना टेटिसाई, तो ये है फर्स्ट प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड। आप उसमें क्वेश्चन पढ़ना उसमें डायरेक्टली मेंशन किया होता है विच वन इज द फर्स्ट प्लांट पैरासाइटिक निमेटोड, और प्लांट पैरासाइटिक का नाम आता ही आएगा एंगिना टेटिसाई। डब्ल्यू में आया था ये, हाँ बिल्कुल डब्ल्यू में आया था बेटा। अब किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लो भाई, है ना, आपकी क्लास लगेगी पीपीजी की अभी और उसके लिए आपको गैप देना पड़ेगा हाफ एन आवर का, 7 बजे आपकी पीपीजी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सर हार्टिंग नेट क्या होता है, हाँ देखो वो क्वेश्चन मुझे याद आ गया, देखो हार्टिंग नेट मतलब उसके रूट के अंदर बनती है, आपके क्वेश्चन ये पूछेगा कि हार्टिंग नेट इम्पार्ट
बैरियर, मतलब किसके है बैरियर का काम करती है, तो ये करती है एक्टो माइको राइजियल फंजाई। तो एक एक्टो माइको राइजियल जो फंजाई जो अटैक करती है वो रूट जोन पे जाके अटैक करेगी, और रूट जोन पे जो अटैक करेगी उसमें बैरियर का काम कौन करेगा, तो रूट के अंदर एक हार्टिंग नेट प्रेजेंट है। तो ये बस इतनी सी बात याद रखना कि हार्टिंग नेट किसका बैरियर का काम करती है, एक्टो माइको राइजियल फंजाई का। सर जो एंग्युनोटिटिसाई होती है उसकी फेकेंडिटी कितनी होती है? एंग्युनोटिटिसाई की फेकेंडिटी रेट इसकी लगभग 50-60 के समथिंग होती है, क्योंकि ये इनिशियली एक्टो था बाद में एंडो, तो फिक्स नहीं है। जय तेजा बाबा की। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू, जय हिंद।